एक चीज है और ये हमारे पार्टनरशिप में इंक्लूडेड नहीं है। मेरे पास भी एक आपकी चीज है जिसे मैं हमेशा गले में कैरी करती थी। बस एक ही चीज है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, वो भी कम वक्त के लिए। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। और आप भी इस बात को जान लीजिए कि मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करती। बस स्पॉन्टेनियस कम टाइम के लिए मुझे जो लगा मैंने किया, और मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन मानिए। मैं वादा करता हूँ मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तो आप चले? हम अभी भी बिजनेस पार्टनर है। ठीक है। और हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, हम एक दूसरे की वैल्यू करते हैं और यही इम्पोर्टेंट है। सनम, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करूंगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपको सोना चाहिए अभी। गुड नाइट। गुड नाइट। डैड, आप अकेले में इतना खाना कैसे खा सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और मैं घर पर आपके लिए खाना बना सकती हूँ, मेरा मतलब ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ओ डैड, ये सब क्या है? आप सच में क्या बात कर रही हो? इस दुनिया में मेरे जैसा खाना कोई और नहीं बना सकता। ठीक है, मैं उनके जैसा खाना नहीं बना सकती हूँ, पर अब वो कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, जब तक मेरी मेवके वापस नहीं आ जाती मैं घर का खाना नहीं खाऊंगा। कम से कम आप ये तो नहीं कर रहे कि वो गई और आपके खाने का मन ही नहीं है। डार्लिंग कहाँ हो? हम किचन में हैं डार्लिंग, इधर आ जाइए। हाँ, देखो मैं क्या लाया हूँ, तुम्हें जो बुक चाहिए थी वो ले आया। थैंक यू डार्लिंग, पर एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरे डैड अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। चलिए मुझे हेल्प कीजिए, आइए। क्या बात कर रही हो, सच में? चलिए आइए मेरे साथ, आइए। हेलो डैड, मैं आ गया। क्या खा रहे हैं आप?
हम इस तरह का खाना नहीं खाते, ये काफी अनहेल्दी खाना है। आप क्या कर रहे हैं, सब अकेले खा लिया आपने, मुझे भी खाना था, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी वाइफ याद नहीं है, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा। अब मॉम कहाँ चली गई, आपने जरूर झगड़ा किया होगा उनके साथ। नहीं, वो मुगला गई है। क्यों? मेरे ग्रैंडफादर का पैर टूट गया। हाँ, वो वहाँ नहीं जा सकते इसलिए मॉम गई हैं उनकी देखभाल करने। वो आज दोपहर को गई हैं, काफी लेट से उनका कॉल आया था इसीलिए। मैं उन्हें कॉल करता हूँ, आई होप कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। नहीं, डॉक्टर सब कुछ कर चुके हैं, पर तुम्हारी मॉम को फिक्र हो रही थी इसलिए वो वहाँ उन्हें मदद करने के लिए गई है, बाकी कुछ नहीं है। आपको भी उनके साथ जाना चाहिए था ना डैड। देखिए, आप अपनी वाइफ के साथ जा सकते थे, बस इसीलिए कह रहा हूँ मैं, नथिंग पर्सनल। ओके, जाने दीजिए ना उसे। क्यों? अगर मैं जा पाता तो जरूर जाता ना। मेरे ग्रैंडफादर मेरे मॉम और डैड से आज भी नाराज हैं क्योंकि वो शादी के बाद इस्तांबुल चले गए थे, इसीलिए मेरे ग्रैंडफादर मेरे डैड से नफरत करते हैं। वो हमारी शादी में भी नहीं आए थे। मैं आ गई। अच्छा हुआ कि मेरे पास चाबी है, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं कई बार नॉक कर चुकी हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये क्या? तुमने अपने डैड के लिए खाना क्यों नहीं बनाया? अब तुम बड़ी हो गई, उनका ख्याल तुम्हें रखना चाहिए। देखो वो क्या खाते हैं। मिस्टर निहात, फिक्र मत करिए, मैं आपका ध्यान रखूंगी। मैफकी बे ने मुझे आपकी जिम्मेदारी सौंपी है, धीरे धीरे सब आपके लिए बना दूंगी। डैड का मूड ठीक नहीं, अब हम उनसे कैसे कहेंगे? मैं अच्छे से प्यार से उन्हें सब बता दूंगी धीरे धीरे, ताकि उन्हें शौक ना लगे। तुम ओके बता दो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा। हाँ बिल्कुल सही। ये डेजर्ट अच्छा लगा मुझे, बहुत टेस्टी है। क्या बात है डैड, मैं आपको कैसे बताऊं? सोच रही हूँ बस आपको कैसे बताऊं। क्या हुआ बताओ ना, प्लीज बताओ। हमने इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। क्या बात है सुपर। दोनों ने, मैं अपनी कार बेच चुका हूँ और मुझे उससे अच्छे खासे पैसे मिले हैं, इसीलिए मैं और लैला खुद का कुछ बिजनेस एस्टैब्लिश करने वाले हैं। कितना अच्छा है डैड। मिस्टर निहात, आप क्या हुआ? वो गिर जाएंगे। सुनो, तुम दोनों एक दिन में इस्तीफा क्यों दे दिया? क्यों बताओ, मुझे डिटेल्स चाहिए। मुझे क्या हुआ था तुम्हें? बताओ बताओ मुझे। मिसेस मेलाहा, आप शांत हो जाएंगी प्लीज? मेरे डैड की हालत खराब हो रही है, आप देखिए उन्हें कितनी बुरी हालत है उनकी। आप प्लीज चुप हो जाइए, मैंने क्या किया है? मैं तो खुल गई थी निहात, क्या हो गया? पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा हूं। हाँ, इसके कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, राइट? जैसे कि म्यूचुअल ड्रीम्स, म्यूचुअल हाउस, म्यूचुअल लाइफ। मतलब म्यूचुअल हाउस वो कहाँ है, कैसे, कौन से मोहल्ले में, आपका क्या कहना है? म्यूचुअल हाउस ये किस तरह की जगह है? म्यूचुअल हाउस डेनिस, तो क्या वो तुम थी? हाँ मैं ही हूँ, और कौन हो सकता है? डियर सनी, मुझे ये बताओ कि ये म्यूचुअल हाउस का क्या मतलब है? हाँ, मैं उन पलों को याद करी थी जिन्हें मैं कभी भुला नहीं पाई। वो पल और कई सारे सवाल तुम्हारे आंखों के सामने आ जाते हैं जब तुम उन्हें डिटेल में सोचते हो। जवाब ढूंढ रही हूँ, बस तुम नहीं समझ पाओगी। शायद तुम्हें डांसिंग थेरेपी की जरूरत है, क्योंकि डांसिंग थेरेपी तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। ठीक है सनिम, अभी अपना ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। हाँ, मैं नहीं समझ पाऊंगी, इतनी समझदार थोड़ी हूँ।
आपने तो परेशानी खड़ी कर दी मिस्टर निहाद, अब आप खुद अच्छे से ख्याल रखेंगे अपना? मुझे तो डर लग रहा है, आपको अपना ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप पूरा पूरा ख्याल रखें, कुछ भी गलत मत खाइएगा। मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी दोस्त ने आपकी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है, आप इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते। अब आप वही करेंगे जो डॉक्टर ने कहा है। मैं सही कह रही हूँ, आप अपने मन से नहीं जी सकते, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी आपको। आप बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए लेट जाइए, आराम कीजिए। मैं आपको नहीं बोलती, आप नहीं उठेंगे, ये ठीक से लगा लीजिए। चलिए लैला, मेरे लिए एक और तकिया लेकर आओ, एक और तकिया लेकर आओ प्लीज। हाँ, इसमें यहाँ रख दो। अरे मैं ठीक हूँ मिसेस मेलात, और डायबिटीज प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं एक जगह रहे तो मर जाऊंगा। क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर तुम अपने मॉम से और बहन से कुछ मत कहना, ठीक है? वरना तुम्हारी मॉम और परेशान हो जाएगी और वापस आ जाएगी। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी डैड, आप आराम कीजिए। हम तो नहीं कहेंगे, पर मैं बताऊंगी, वो मेरी दोस्त है, मैं उसे सब बताती हूँ, मैं कुछ भी उसे नहीं छिपा सकती। मैं उसे कल सुबह कॉल करूंगी और सुबह उसे सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? मिसेस मेलहात, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ क्या? अगर आपने मेरी मॉम को बताने की एक भी कोशिश अगर की, क्या मैं आपको श्राप दूंगी कि आप कभी भी डिलिशियस पेस्ट्रीज नहीं बनाएंगी। उम्मीद है कि आप कभी उसे नहीं बना पाएंगी, समझिया? ये क्या बोल रही हो? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। अगर आपने मेरी मॉम से कुछ भी कहा तो जो डेजर्ट आप आज लाई थी, हाँ, मैं श्राप दूंगी कि आप वो कभी ना बना पाए, समझी? कभी ना बना पाए, कभी भी नहीं बना पाए। बोल रही हूँ, बहुत बड़ा श्राप दूंगी। ऊपर वाला मेरी बात सुनेगा और आप ऐसा नहीं बना पाएंगी। अगर आप वो बना नहीं पाएंगी तो कितना बुरा हो जाएगा ना? हाँ हाँ, बहुत बुरा होगा। उफ, पर मैं ऐसा करने से खुद को कैसे रोकूं? डैड, मुझे एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि आपको इस्तीफा देने से चक्कर आ गया है, मैं तो सच में डर गई थी। नहीं नहीं, मेरी खूबसूरत बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो खुश रहूंगा कि तुम अपना बिजनेस खोल पाओगी और खुश रहोगी तुम, इसीलिए तो मुझे इस बात से खुशी मिलती है। कितने प्यारे हैं। एक मिनट, पर करने क्या वाले हो? डैड, हम म्यूजिक सेक्टर में काम करने वाले हैं। लैला टैलेंटेड है और मैं काफी लोगों को जानता हूँ, मुझे लगता है हम बहुत जल्द सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्या तुम सिंगर बनने वाली हो? कितना अच्छा है। लोग कहते हैं कि बॉडी 21 दिनों में मीठी चीजों को भूल जाती है। 21 और 3 हफ्ते, उसके बाद दांत ठीक हो जाएगा। डैड, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे फिर से बुरा लग रहा है। क्या हुआ डैड? नहीं नहीं नहीं, तुमने कहा ना मीठी चीजें नहीं चलती, काश हम बकलवा खा पाते। हो देखो, मेरे घर में बकलावा है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मेला हाथ, क्या आप क्या कह रही हैं? ओ नहीं, मुझे याद आया कि वो खत्म हो गया है, मैंने पूरा ट्रे खा लिया। मैं आपके लिए पुडिंग बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज कम चीनी डालिए। चीनी बिल्कुल नहीं चाहिए। बनाइए, मैं भी खाऊंगा। ये डेपो बहुत ही बड़ा है। नहीं, मैंने उसका कुछ पार्ट रेंट पर लिया है। गुड इवनिंग मिस्टर रिकित। गुड इवनिंग है, मैं मिलते हैं। मेरा मतलब है कि ये जगह मेरी नहीं है। ये रहा वो। हेलो मिस्टर जमाल, आप कैसे हैं? ये मिस्टर युगित। हेलो, थैंक यू। आइए प्लीज बैठो ना, बैठ जाओ, वो तुम्हें डिटेल्स बता देंगे। बताइए आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? अच्छा हुआ जमाल ने आपको सब एक्सप्लेन किया होगा। आप कोर्ट जाएंगे, सनम क्रीम के बारे में बताएंगे और सबको शिकायत करेंगे। आपको क्या कहना है वो सारी चीज इसमें लिखी है। उन्होंने मुझे क्रीम का इस्तेमाल करने के लिए दिया और जब मैंने क्रीम लगाई तो मुझे खुजली होने लगी और मुझे पता नहीं क्या कुछ होने लगा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि इस क्रीम की वजह से तुमको एलर्जी हो गई है। फिर क्रीम की बॉटल में भी ऐसी कोई वार्निंग नहीं लिखी थी और ये सब आपको खाली कहना। ठीक है, मैं कर दूंगा। करो करो करो, ये लो पेपर और इसमें सारा कुछ लिखा है, बस इसे याद कर लेना, बोलना मत कुछ। थैंक यू मिस्टर यगेट। लेकिन आप किसी को कुछ बताना नहीं, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ अर्दा, तुम अच्छे से कर लो, चलो। थैंक यू। अर्दा अच्छा आदमी है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये काम कर पाएगा या नहीं। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उन लोगों को परेशान देखना। कल उन लोगों को लीगल नोटिस जाएगी, फिर उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्रीम बतानी पड़ेगी और उसके बाद सारी प्रोसेस होगी, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं रहेगा ना तब, और वो लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्या वहाँ कोई है क्या? इंग्रेडिएंट्स की रिपोर्ट मिल गई है, हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और फिर हम लोग उस क्रीम को मार्केट में बेचेंगे, अच्छी कीमत मिलेगी हमें उसकी। वेरी गुड, प्लान के मुताबिक हो रहा है सब।
हमारा काम है कि मिस सनम की क्रीम्स बनाकर उसे मार्केट में बेचना काफी अच्छा है, पर आप ऐसा क्यों करें? मुझे वजह समझेगी मिस्टर योगी। मैंने आपको अच्छे से कहा था कि उन्होंने मेरे नाक में दम करके रखा है, लेकिन सनम मेरे लिए बहुत स्पेशल है, वो मेरे लिए कीमती है, लेकिन ये लोग के साथ ये सब करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब हो जाएगा फिर मैं सनम के साथ चले जाऊंगा और सब सॉल्व हो जाएगा। मैं समझता हूँ, एक तरफ से मैं उसकी मदद करूंगा, उसी में भलाई है उसकी। मास का दरिया सबसे ज्यादा रहस्य भरा हुआ है, कोई भी वहां रुकना नहीं चाहता, हर कोई वहां से गुजरता है, वो भी जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं। मास पाने के लिए हर कोई कोशिश करता है, मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है। मैंने खुद को सरेंडर कर दिया था उन सभी यादों को, जहां स्पर्श, खुशबू, इच्छा और तमन्ना थी। उनका कहना था कि मास तो आत्मा का शत्रु है, वो आत्मा को अपने वश में कर लेता है, उसे मुझे वश में कर लेने दो। और तब सारे जहां को रुकना होगा, जब हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, हम एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, जहां हमारा शरीर एक दूसरे में समा रहा हो। और दिल दिमाग की आवाज सुनता है, तो कैसे दिमाग दिल की धड़कन को कमजोर कर देता है। मेरा दिल तो उसे पागलों की तरह प्यार करना चाहता है। बताइए मुझे, मुझे कौन रोक सकता है मेरे सिवा? यार जेजे, तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि मैं बिल्स भर चुका हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए भाई। और तुम हो कि मैं ये क्या हो गया? ये लड़की भी बड़ी अजीब है, कभी स्ट्रॉबेरीज लेकर घूमती है, कभी सब्जियां। एकदम फिल्मी सीन हो गया ना। अचानक एक लड़का और लड़की टकरा जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, और लड़का उसकी सुंदरता देखकर खो जाता है और उन्हें प्यार हो जाता है। लड़की की सुंदरता? हाँ, लड़की की सुंदरता जैसा फिल्मों में होता है ना। मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, तुम बेकार में खुश मत हो, इसे लग रहा है कि मैंने इसे सुंदर कहा। लेकिन फिल्मों जैसा ही हो गया ना, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, मैं अपना काम खुद करना जानती हूँ। ओके, तुम वो फिल्मों वाली सुंदर लड़की का इंतजार करते रहना, तुम जीते रहना तुम्हारे सपनों के साथ, ठीक है? बुरा मान गई। मैं पुरानी मूवीज की बात कर रहा था, और मैं तुम्हारी हेल्प भी तो कर रहा था, बेकार में तुम बुरा मान गई। यार मैं इसे कुछ भी कहता हूँ तो ये ऐसे मुंह क्यों बनाती है? मेरे भाई मुझे सच बताओ, क्या मैं इतना रूड हूँ? तुम बहुत रूड हो, बहुत रूड। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम किसी लड़की के बारे में, किसी औरत के बारे में भी? कैसे कह सकते हो कि वो खूबसूरत नहीं है? कैसे कह सकते हो, मुझे बताओ कैसे? अगर मैं सुंदर बोलता तो उसे लगता कि मैं उस पर लाइन मार रहा हूँ। सच कह रहा हूँ भाई, वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके बात घुमा दिया। वो अच्छी भी है और ब्यूटीफुल भी है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स उसे खुलकर नहीं बता पाता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया उसके साथ। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं जेजे? मॉम कैसी हो और दादाजी कैसे हैं? उनका पैर ठीक है ना? ठीक है, आप ज्यादा परेशान मत होना और आप मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं मेरे साथ। और क्या ये मेरे दादाजी की आवाज थी? माम, उन्होंने फिर से मेरे पापा का इंसल्ट किया है। ओके, मुझे ये सब पापा को बताना होगा। ठीक है, अब चिंता मत करना, मुझे पता था माम। अब मुझे कैसे पता होगा आप आस पड़ोस के लोगों से क्या बातें कर रही है? हाँ ठीक है माम, ठीक है, सी यू। देखो उसे सब अच्छा, मैंने उन्हें वहां रखा है। गुड मॉर्निंग। Good morning. अच्छा, तो सुबह सुबह आज हम इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, हमें नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है एजेंसी। क्या बात है, क्या बात है? वेरी गुड मिस्टर डरन, सुपर, ब्रावो। कस्टमर कौन है? सेलिंग क्लब का। मैं उनके काफी क्लोज था, मैं इस बारे में पहले क्यों नहीं सोच पाया, मेरी भी तारीफ की जाती अगर मैं ये करता। ये वीक सेलर्स का वीक है तो मैंने उन्हें बेस्ट विशेस देने के लिए कॉल किया था और मुझे नया जॉब मिल गया। वेरी नाइस डैरन, बहुत अमेजिंग किया तुमने।
कंग्रेचुलेशन तुम्हें। वैसे जॉब क्या है? बहुत सिंपल है, वो हमसे एक एडवर्टीजमेंट बनाना चाहते हैं एक मैगजीन के लिए। उसमें एक सेलर और मरमेड चाहिए उन्हें, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका वैल्यू टेस्ट हो, ऐसा टेस्ट जिसे हजारों लोगों ने पसंद किया हो। उन्हें उनके सवालों के जवाब भी चाहिए, मैंने दिए जिनके लिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन। चलो सबसे पहले इस फॉर्म को भर देते हैं और ये काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग रहेगा, तो आप सब इसे एक बार पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या हम क्या करेंगे टेस्ट के रिजल्ट के साथ? मैं समझा नहीं, तुम सही से समझा नहीं पाई। मुझे लगता है हमें उस सेलर आदमी को ऐसे कैरेक्टर दिखाने चाहिए जो काबिले तारीफ हो, है ना? हाँ, और स्लोगन भी कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। यस, यही चाहिए, हम लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि वो उस तरह के कपल बने। हाँ, बस यही करना है। शांत रहो प्लीज, कपल वर्ड का यूज किया है तो ठीक से समझा भी देते, ऐसे बात घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? यहाँ सबको सब कुछ पता ही है, किसी से कुछ नहीं छुपा है। अगर तुम ऐसे बोलोगी तो माइंड में और कंफ्यूजन बढ़ेगा, और कुछ नहीं। किस तरह के कपल बनने की बात कर रही हो, वो खुलकर बताओ ना। मुझे नहीं पता कैसे, पर हमेशा बातें हम पर ही टर्न क्यों हो जाती है, जबकि मैंने कई बार कहा है कि सनम मेरे लिए काफी स्पेशल है, बहुत स्पेशल। मैं बस इसी को एक्सप्लेन करना चाहता था थोड़ा ब्रीफली। हाँ, हमारा काफी स्पेशल रिलेशनशिप है, काफी स्पेशल। लेकिन अब वो पास्ट की बात है, है ना? Exactly. अब मेरे लिए सब कुछ एक जैसे है, मुजो और जान। हाँ? और जे जे जान और मुजो भी। सनम, हम समझ गए, और एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है। मेरी नेबर सनम, डियर सनम। मेरा पड़ोसी जान, माई डियर पड़ोसी जान, जान मेरे प्यारे पड़ोसी। हाँ, मैंने जितने भी कैरेक्टर एक आदमी में देखे हैं, उस सब में ज्यादा बदलाव आ चुका है, पिछले साल ने सब कुछ बदल दिया है। मेरे लिए भी, वैसे थोड़ा नॉर्मल, लेकिन बदलाव हुआ। हाँ, अब बहुत हुआ। एक आदमी में कितने गुण होते हैं, मैं सब कुछ लिख चुकी हूँ, एक नया पेज भी ओपन कर चुकी हूँ जो हर कोई करता है। ओह नो, मेरा नया पेज, मैं अपना नया पेज ओपन कर चुकी हूँ। सुना सबने, जितने भी टेबल पर मौजूद हैं, ये लीजिए आपकी बारी। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। हाँ, क्या मिस पोलिन यहाँ आ रही हैं? उसका नाम लेने की जरूरत है। मतलो नाम, मतलो। क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं एक औरत में क्या देखता हूँ? तुम्हारे इस एटीट्यूड से मैं समझ गया था कि क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैं उस जान नाम के आदमी में क्या देख रही हूँ? वैसे मैं कुछ नहीं जानना चाहती, मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हुई है, सब कंफ्यूजन, मुझे नहीं जानना है। हाँ। जी जी, क्या तुमने हमारी जवाब उन्हें भेज दिए? और बाकी के जितने रिप्लाई हैं उन्हें प्रिंट कर देना, जिसकी वजह से हमारा काम शुरू हो जाए और हम बेहतर काम कर पाए। जरूर, मैं भी टेस्ट का जवाब दे चुका हूँ, मैं उसे कम शब्दों में लिख चुका हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। एक प्रॉब्लम है, एक कस्टमर को क्रीम से एलर्जी हुई है और उसने एक शिकायत दर्ज की है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो हैंडमेड है, सब कुछ नेचुरल है, कुछ भी बोल रहा है। हो ही नहीं सकता, मेरी क्रीम से एलर्जी कभी नहीं हो सकती। यू नो, मैं जानता हूँ कि उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं था जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, तो सबसे पहले शांत रहो, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, हम सॉल्व कर लेंगे। मुझे जेजे से काम है। ये खाली क्यों है? जेजे, क्या मुझे कार की चाबी मिल सकती है? कल मैंने तुम्हें दी थी ना? ऑफ कोर्स मिस्टर जान, ये लीजिए। क्या ये प्रिंट आउट्स हैं? हाँ मिस्टर जान, हमारे प्रिंट्स भी यही है, राइट? हाँ मिस्टर जान। ओके, वैसे सब कुछ ठीक से हो चुका है ना? आई होप कुछ मिसिंग नहीं है। तुम जानते हो ना कि कौन से पेपर कहाँ जाने हैं? अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करता हूँ। नहीं मिस्टर जान, नहीं, थैंक यू। ये रहे कस्टमर्स और ये हमारे, हाँ ये सनेम के, मेरे, मिस डेरिन के और ये मूजो के। ठीक है, तुम कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, राइट? क्या हुआ? बस एक मिनट, बस एक मिनट।
लगता है कोई गलती होगी। सबसे पहले मिस डेरेन थी और मिस डेरेन, उसके बाद मैं, सनेम, मुजो सनेम, मुजो और मैं, लेकिन मेरे तो यहाँ नहीं है। मैं श्योर नहीं हूँ मिस्टर जान, सच में मैं मिस्टर जान, ये अचानक कहाँ गायब हो गए, जैसे सुपर हीरो हूँ, ये दिखाई नहीं देते। जाने दीजिए, तुम अपना काम करो, अपना काम करो, तुम छोड़ो यार, ये तो होता ही रहता है। वहाँ कुछ तो चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे पता है, देखना, कुछ तो गड़बड़ है। बुलेट, जिसने कंप्लेन की, क्या वो आसपास का ही है? हाँ यही है। क्या नाम है उसका? गुरेन, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम करना है। क्या तुम सनम का ख्याल रखोगे प्लीज? मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स लॉट। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी क्रीम से किसी को एलर्जी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। शायद हो भी सकती है, क्या पता ये बात सच हो सनम। मुझो, मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल होते हैं और ऑर्गेनिक। नेचुरल हुआ तो क्या हुआ, उससे भी एलर्जी हो सकती है। लोगों को हनी से एलर्जी होती है, हेजलनट से होती है, स्ट्रॉबेरी से होती है, किसी से भी हो सकती है। मुझो, मैं लेबोरेटरी में जाकर अपने प्रोडक्ट की जाँच कर चुकी हूँ और उन्होंने कहा था कि ये हार्मलेस है। नहीं, क्या अब मैं क्रीम भी नहीं बना सकती? वैसे मुझसे गलती कहाँ हुई? ये हमारा पहला प्रोडक्ट था, क्या अब हम इसका कमर्शियल नहीं दिखा पाएंगे? अब हम क्या करेंगे? मिस डेरेन, आप क्या कर रही हैं? प्लीज सबसे पहले तो खुद को संभालो। सुनो, सबसे पहले भरोसा रखो, हम जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। मुझे कोई नहीं रोक सकता क्रीम बनाने से। ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं। तुम्हें तुम्हारी क्रीम बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, तुम हमेशा इसी तरह अपनी क्रीम बनाती रहोगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी। वो भी सही नहीं सकती। मुझे मेरी एजेंसी वापस चाहिए। अब मुझे मेरी क्रीम वापस चाहिए। हमें वापस लेनी होगी, हमें कुछ करना ही होगा। एग्जैक्टली, लेकिन क्या? हम उन्हें वापस लेंगे। लेकिन वो कैसे? नहीं, ये पागलपन नहीं है, नहीं। अगर वो कैफे में नहीं रहा तो वो मुझे पता नहीं उसका घर कहाँ है। थैंक यू मिसेस मेहरबान, मेरे साथ यहाँ आने के लिए। ऑफ कोर्स, मुझे ऐसा करना ही चाहिए। मैं आर्दा को अच्छे से जानती हूँ, उसके पास अभी कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा लड़का है, मैं उससे बात करूंगी। हम लकी हैं, वो यहीं पर है, देखो वो वहाँ बैठा है। आर्दा, हेलो। वेलकम मिसेस मेहरबान। थैंक यू। हेलो, मैं जान हूँ। हेलो, बैठिए ना। आर्दा, कैसे हो तुम? मुझे पता चला कि तुम्हें एलर्जी हुई। हाँ हाँ मिस मेहरबान। क्या तुम श्योर हो ये क्रीम की वजह से? तुम कौन हो? सनम का क्लोज फ्रेंड और उस क्रीम का प्रोड्यूसर भी। आर्दा, लगता है तुमसे गलती हो गई। तुम इतनी जल्दी पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गए शिकायत लिखवाने? तुमने ऐसा क्यों किया? सनेम की क्रीम से ऐसा कभी नहीं होता। मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना, मेरा लॉयर बात करेगा। रुको, हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई। आर्दा रुको, आर्दा शर्म करो। उसने कहा था कि वो अकेले पुलिस स्टेशन गया था और वो डायरेक्ट लॉयर के पास जाएगा। हाँ वही तो। उसके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं है तो वो लॉयर कैसे हायर कर सकता है? मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। मिसेस गोल के जाने के बाद यहाँ पे कोई रहने नहीं आया, पूरा का पूरा घर खाली है। यहाँ पे आप बहुत खुश रहेंगे। थैंक यू कान, थैंक यू। सी यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है तुम्हारा नया ऑफिस और नया जॉब तुम्हें बहुत तरक्की दिलाएगा। ये लो चाबी। शुक्रिया। गरम चाय, ऑरेंज जूस और गरम कॉफी रहमी सर्व करेगा, पर स्पार्कलिंग वाटर, इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स तुम मेरे लिए ले आओ। ठीक है, अब से यहाँ हम एक दूसरे की तरफ देखने वाले हैं। हम हाथ वेव करेंगे। वहाँ डिपोर्ट में टेबल्स और चेयर्स हैं, तुम वहाँ से जो जी चाहे उठा सकते हो। तुम अपनी प्लेस को जैसे मर्जी चाहे डेकोरेट कर सकते हो, जैसा तुम चाहे। ठीक है, अब मुझे निकलना चाहिए, मुझे खाना खाना की बहुत भूख लगी है। क्या हुआ? देखिए आपके लिए मैं क्या बना चुकी हूँ। क्या? कुकुम्बर्स। मैं आपके लिए काट चुकी हूँ, अगर आपको भूख लगे तो इसे खाइएगा, ठीक है ना? अब जब आपको भूख लगेगी तो आप इसे खा लीजिएगा, ठीक है? मैं मेरे पास आपके लिए और भी है।
मैं देख सकता हूं। जब आपको भूख लगे खाइएगा डैड, बाकी और कुछ मत खाना। नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक है डैड, ज्यादा मत डालना। नहीं नहीं ज्यादा नहीं। ओके सो मच ओके ओके चलता हूं मैं, मदद के लिए तैयार हूं। बाय। उम्मीद है कि वो मेरी बात मानेंगे। आपको क्या लगता है डार्लिंग, इतनी परफेक्ट जगह नहीं है ना, पर ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हाँ फिलहाल शुरुआत के लिए जगह बिल्कुल ठीक है। हमें इस जगह को अरेंज करना होगा, फिर ये ठीक रहेगा। देखो डार्लिंग, फ्यूचर में हम कोई अच्छा सा घर रेंट पर ले लेंगे, ताकि मुझे जब तुम्हें प्यार करने का मन करे मैं कर सकूँ, ठीक है ना? मैं भी आपके साथ अकेले रहना चाहती हूँ। काश मेरे डैड वेकेशन पे चले जाएं, क्योंकि वो मेरे मॉम के बिना ठीक से रह नहीं पा रहे हैं। अच्छा वेकेशन, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। कैसे? एक सेकेंड, आप क्या करेंगे बताइए। मिस्टर अजीज, क्या आज आपने सूर्य नमस्कार किया? मैं सबसे पहले तुम्हें सैल्यूट करूंगा। अच्छा। हाँ बेटा इमरे। हाँ बोलो बेटा। कैप्टन अजीज कैसे हैं? क्या कर रहे हैं आप? ठीक हूँ, डेनिस के साथ में हम खेत में काम कर रहे हैं। मैं वाइल्ड ग्रास को साफ कर रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे ये कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं थक गया हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, कितना बता नहीं सकता। मिस्टर अजीज, सनीम ने मैसेज भेजा है, मुझे उसके पास जाना है। अच्छी बात है कि आप नेचर में काम कर रहे हैं, उन्हें मेरा हाय कहना। हम मिस्टर निहात को हॉस्पिटल लेकर गए थे, उनका इंसुलिन लेवल हाई हो गया है। मिसेस मैफ की बेबी अपने डैड की देखभाल करने के लिए गांव चली गई, उनके डैड का पैर टूट गया था। उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उन्हें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, आपको तो पता ही है डॉक्टर लोग क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है कि इन्हें बाहर लेके जाओ, इन्हें फ्रेश एयर की जरूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन जल्द से जल्द कोई सलूशन निकालना ही पड़ेगा। उन्हें बाहर ले जाना है, हमारे पास भी इतना काम है, क्या करें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं मेहरबान से बात करूंगा, अगर वो चाहे तो हम उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। और वो अकेले, उनकी वाइफ भी यहाँ पर नहीं है, वो हमारे यहाँ कर रह सकते हैं, क्योंकि फिर वो ऐसे ख्याल आते रहेंगे जिस वजह से। आपने सच में मेरा टेंशन कम कर दिया, काम हो गया। ठीक है बेटा, लैला को मेरा हाय कहना, हम निहात को कॉल कर लेंगे। ठीक है, क्या हुआ है? हनी, मैफ के भाई के पापा का पैर टूट गया है, और इसलिए उन्हें उनके देखभाल करने के लिए गांव जाना पड़ा है। निहात का इंसुलिन लेवल बढ़ गया है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें शहर से बाहर जाने के लिए सलाह दी है। तो उन्हें ताजी हवा चाहिए। हाँ। ताजी हवा, ऑर्गेनिक फूड, ये हमारी जॉब है, मैं समझ गई। चलो हम तैयारी करते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। जी हाँ, ठीक है। डेनिस को काम ना करने का एक और बहाना मिल गया है ना? मुझे तो ये नहीं, उसने काफी मेहनत की है सच में। अब मैं थक गया हूँ, मैं अब नहीं झुक सकता, पीठ दर्द कर रही है अब मेरी। जरा प्यार से। सनीम तुम क्या कर रही हो? वही सेलिंग क्लब का काम, पहले भी हम उनके लिए काम कर चुके हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस बार हम उनके लिए कुछ डिफरेंट करें। बहुत अच्छा, कमाल का आइडिया है, बहुत अच्छा। हाँ, तुम किसी औरत में क्या ढूंढते हो? मैंने ये सवाल का जवाब आयान बन कर दिया। काफी अनएक्सपेक्टेड जवाब था, सिंपल और स्वीट भी। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? है? नहीं नहीं, मैं तो बस सुनना चाहती थी। और क्या लिखा तुमने? मैंने ये प्रिंट आउट निकाले हैं, ये देखो। ओह, ये सारे तुमने बनाए हैं? सारे? मेरा और मुझो का और तुम्हारा प्रिंट आउट भी, क्या वो रेडी है? मुझे वो देखना है, दिखाओ तो जरा। हाँ जरूर जरूर, ये लो, मुझो का और मेरा, जान का, मिस डेरिन का, और ये किसी और को बिलोंग करता है। मैं सभी का प्रिंट आउट ले चुका हूँ। वेरी नाइस। हाँ मैंने किया, और मैं क्यों नहीं करता, मैं एक क्वालिफाइड वर्कर हूँ, पर मुझे हर कोई यही सवाल क्यों पूछता है, मेरी समझ में नहीं आता। मेरी कॉफी कौन पी जाता है? कोई हर बार? नहीं नहीं सनेम, कोई तो मेरी कॉफी पी रहा है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। बातें करते हो ना तो बहुत पागल लगते हो। कौन कौन है, या मैंने ही ऐसा किया था, उस पर नाम नहीं है, ऊपर वाले है, मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, काम हो जाएगा। थोड़ी सी शैतानी। हाँ, हम बिना बहस किए इसे कर लेंगे, हम सब कुछ फिनिश कर लेंगे। उसने आर्ग्यू करने जैसा कुछ नहीं कहा है, तुम कितनी नाजुक हो, प्लीज जरा दिमाग से काम लो ना। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं आज किसी को मेरा मोटिवेशन खराब नहीं करने दूंगी। हाँ बताओ सनीम, तुम्हें क्या बात करनी? बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ।
हमें एक सेलिंग कंपनी में जॉब मिली है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम पब्लिक टेस्ट करें, जैसे कि औरतों को क्या चाहिए, मर्दों को क्या चाहिए, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है। आपके पास 127 क्राइटेरिया है तो वो हमारे लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। हाँ, मैं हमेशा उसे अपने साथ रखती हूँ, ये रही। अरे बाप रे, 127 क्राइटेरिया, क्या किसी में इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। चुप रहो, फिक्र मत करो मूजो, तुम्हारा वैसे भी इन बातों से कोई नाता नहीं है। ओके, ओह थैंक यू सो मच, ऐसा लग रहा है कि जॉइनिंग का इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। क्राइटेरिया क्राइटेरिया होगा। ओके, मेरे नोट्स रेडी हैं, मुझे लगता है हम वापस काम कर सकते हैं। जान कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे जान से कोई लेना देना नहीं है। जान कहाँ है? जान कहाँ है? जान कहाँ है? मुझे क्या करना है? मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे उनके बारे में जानकर क्या मिलने वाला है? किसी को क्या लेना देना है वो कहाँ है? और अगर किसी को पता है कि वो कहाँ है तो मुझे मत बताना, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पूछना भी मत कि वो कहाँ है, मैं उनके बारे में जानकारी नहीं रखती। और उन्हें जहाँ जाना है वो जा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो मेरे पीछे खड़े? मुझे उनके स्टोन्स की आवाज आ रही है। जान, जान कहाँ थे आप? इतनी देर तक कहाँ थे आप? अर्दा मिल गया, उसके पास पैसे नहीं है पर एक लॉयर है। वो हमसे पैसे लूटना चाहता है या फिर कोई है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे जाना होगा लॉयर को ढूंढने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। वेरी गुड, बुलेट लॉयर्स को संभाल लेगा। हम हमारे बिजनेस पर ध्यान देते हैं क्योंकि आज हमें एड रेडी करना है। जल्द से जल्द एक ऑफिस तैयार करना होगा, कुछ कंप्यूटर्स अरेंज करने होंगे, ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत होगी, हमें हमारे पुराने कस्टमर्स को वापस लाना होगा, हमें ढेर सारा काम करना होगा। क्या तुम रेडी हो पार्टनर? आई एग्री पार्टनर, मेरे पड़ोसी। हाँ, पड़ोसी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, पड़ोसी सुख दुख के साथ ही होते हैं। तो चलो हम काम शुरू करते हैं, ठीक है? सब अपना काम बांट लेते हैं, मैं डिजाइन संभालूंगा। सनम, तुम टेक्स्ट संभाल लोगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। गुड डन, मैं बाकी लोगों को कॉल करती हूँ, म्यूजिक कंपनीज को, ताकि एड जल्दी बन जाए। तुम बात नहीं करेगे? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अरे मैं अपने ख्यालों में खो गया था, चलता हूँ मैं। क्या तुम काम करोगे? नहीं। देखो, शायद तुम्हें अब अपने जॉब पर फोकस करना चाहिए। तुम काफी क्लेवर और टैलेंटेड हो, उसे छोड़ दो और अपने काम पर फोकस करो। तुम्हें लाइफ में बहुत मैं नहीं कर सकता मिसेस उमा, ये मुमकिन नहीं है। हाँ। देखो, मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता, ठीक है? तुम क्या करोगे गेट? क्या करोगे? उनका प्यार खत्म नहीं होगा, ये बात एक्सेप्ट कर लो। हमसे गलती हो गई, उनका प्यार कभी भी खत्म नहीं होगा, समझे? मिसेस उमा जान को सब पता है, मुझे डर लगता है कि वो सनम को नोटबुक दिखाना दे और मेरे बारे में बताना दे, समझ गए? एकित, जान इस तरह का आदमी नहीं है, वो सनम को सही रास्ता दिखा सकता है, पर वो, सुनो मेरी बात, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो सनम को कुछ नहीं बताएगा। एकित, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं नहीं सुनूंगा। अगर तुम हार जाओगे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ, मेरी बात समझो। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं मिसेस हुमा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। पर आपने क्या किया? ये प्राइस काफी अनएक्सेप्टेबल है। हम एक बुटीक डेमो कॉस्मेटिकल फर्म है, प्लीज, और मैं आपसे नए ऑफर के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, गुड बाय। जान, ये कंपनी ह्यूज अमाउंट मांग रही है, तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे तो शायद तुमने उन्हें कॉल करना चाहिए, शायद वो तुम्हें डिस्काउंट दे दे। मैं देख लूंगा। मिस्टर मुजफ्फर और जे, अब तुम्हारा हो गया हो तो जा सकते हो, मुझे मेडिटेशन करना है। ठीक है, ठीक है, रिपोर्ट बन गई, हम लोग बस जा ही रहे हैं। चलो जे, चलते हैं। जे, तुम क्या कर रहे हो? मेरी स्किन को ह्यूमिडिटी की जरूरत है। जे, एलर्जी हो जाएगी, तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी स्किन लाल हो सकती है, बड़े बड़े फोड़े भी आ सकते हैं तुम्हें। तुम वक्त पर क्यों नहीं कहते? मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए खराब ना हो जाए। वो लाल हो गया, मुझे लग रहा है, क्या ये बुरा है? हाँ भाई, तुम्हारा चेहरा फूल गया है, सूज गया है, सूज गया है।
हाँ तुम हंस क्यों रहे हो? क्या? अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारे चेहरे को कुछ भी नहीं हुआ है। ये सनेम की क्रीम है और ये एकदम सेफ है, मैं तो जोक कर रहा था भाई। डर गए ना? मुझो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्यों, क्या हो गया? हम फिर से जेल जाने वाले हैं क्या? मुझो जेल की बातें बंद करो, तुम मुझे पागल बना दोगे। कई सालों के लिए जाएंगे। नाराज हो गया, ऐसा मना क्या था। सनम ये क्रीम केस मैं देख लूंगा, यू डोंट वरी, ओके? बुलेट लॉयर से बात करेगा फिर मैं फॉलो अप करूंगा। मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। हाँ, क्या तुम इस बारे में सोच रही हो? मुझे नहीं पता था कि आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी। मेरी हॉबी है। और स्लोगन्स का क्या हुआ? वो स्टोरी सेलर और मरमेड की, जो अलग अलग दुनिया में रहते हैं लेकिन साथ रहने का तरीका ढूंढ लेते हैं, क्या ये थीम नहीं हो सकती? हाँ, हमारा कस्टमर भी सेलिंग क्लब है। हाँ, तो हमारा स्लोगन होगा सी कम्स विद मिरेकल्स, ठीक है? फैंटास्टिक। पर शायद हमें सेलर और मरमेड को थोड़ा करीब लाना चाहिए, क्योंकि वो सेलर के लिए समंदर के बाहर है जो सांस लेने की कोशिश कर रही है, तो उन्हें करीब रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो ऐसे नेबर्स लग रहे हैं। हाँ, फिर से वही सब्जेक्ट, हम फिर से पड़ोसियों पर आ गए। आप नहीं जानते, आप कभी भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका तो ब्रॉट अप नेबरहुड कल्चर में नहीं हुआ है। पड़ोसी एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो क्या आप इस पड़ोसी वाले कल्चर को अडॉप्ट कर पाएंगे? ये मेरे लिए बहुत ईजी है। देखते हैं। हेलो सनी, लैला मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी, कैसी हो तुम? हमने इस्तीफा दे दिया। really? क्या, कैसे, कहाँ तुम अभी? मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँच रही हूँ। ओके। पड़ोस में बच्चे नहीं है। कौन? पड़ोस के बच्चे। क्या? कुछ नहीं, मैं मोहल्ले में जाकर आ रही हूँ। क्यों, क्या मैं यहाँ अकेली रहूंगी? इस इंसान को भूल जाओ लड़की, वो तो तुम्हें एक पड़ोस की लड़की समझता है। वो तुम्हें लाइक करता है, वो तुम्हें अभी भी लाइक करता है। वो तुम्हें फिर से लाइक करने लगा है, किसे पता? और मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारे जेब में जान के टेस्ट आंसर नहीं है? तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो फेंक दो। नहीं, जेब में नहीं, वो मेरे बैग में है। तुम्हें तो उसकी परवाह नहीं है ना, तो तुम्हें क्या करना है कि वो किस लड़की को पसंद कर रहा है? ये सब बिजनेस के लिए, इसीलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? मैं आपकी हेल्प कर दूँ मिस? अब इसे क्या बताऊँ? तो ये रही लिस्ट उन कैरेक्टर्स की जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को पसंद है। उसने ऐसा कुछ लिखा है जो वो कहता है एक औरत को कूल रहना चाहिए, उसे फालतू बड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ओ, इसे तो देखो, उसे अच्छे से पोस्ट एक बनाना आना चाहिए, पोस्ट एक तो बनाना ही चाहिए। उसे एक सीरियस सिटी वुमन की तरह रहना होगा, अच्छा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसे मुझे डांस के लिए इनवाइट करना होगा। उसने इतने सारे कंडीशंस लिख दिए हैं, क्या ये कोई मजाक हो रहा है? ये किस तरह की लिस्ट है? हाँ? आप सही कह रहे हैं, मैं उन्हें एक साल के बाद मिली हूँ, तब तक वो समंदर में घूम रहे थे और अब मेरे सामने ये लिस्ट रखी है उन्होंने, और इस लिस्ट की कोई भी क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर उसे भूल जाओ ना। क्या मुझे उन्हें भूलना होगा? हाँ, भूल जाओ। आप सही कह रहे हो, अब हम पड़ोसी है और वो भी मुझे पड़ोसी की लड़की की तरह ट्रीट करता है, और इसीलिए अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो कहते हैं कि उन्हें ज्यादा बात नहीं करनी है, पर उनसे बात करना चाहता कौन है? लोग कहते हैं कि औरतें ज्यादा बात करती है, पर इसका क्या कनेक्शन है? लोगों को तो बात ही नहीं करनी आती और मर्द तो बात ही नहीं करते। अब बताओ ये मैं सही कह रही हूँ या गलत? हाँ एमरे, मैं आ गया। ब्रो जल्दी करो यार, मैं वेट कर रहा हूँ। अब मेरे पास टाइम है तो मैं सनम की लिस्ट चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या लिखा है। चेक कर लेता हूँ। तुम एक आदमी में अक्सर क्या ढूंढती हो? वो एक जेंटलमैन होना चाहिए।
हाँ वो तो मैं हूँ ही, जेंटल पोलाइट और एलिगेंट। कभी कभी मैं भी ऐसा ही होता हूँ। उसे काफी सिंपल और कूल होना चाहिए, कोई एक्सेसरीज ना हो। हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ये सब पहना इतना जल्दी नहीं छोड़ सकता। टी शर्ट जैकेट, बाल अच्छे से कोम किए हुए हो और शेव्ड होना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नो शेविंग, परफ्यूम, ओके वो तो मैं यूज करता हूँ। उससे मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए, मेरे फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरे डिसीजन को ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए, उसे हर डिसीजन में साथ देना चाहिए। जब मुझे ठंड लगे तो मुझे जैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर उसे ठंड लगती है। उसे मेरी हर जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। हाय भाई। क्या हुआ ब्रो, रिजाइन क्यों कर लिया, सब ठीक है? थोड़ा रुक जा भाई, क्या तुम सुनने को तैयार हो? देखो लैला और मैं म्यूजिक सेक्टर में एंटर करने वाले हैं। म्यूजिक सेक्टर? हाँ, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, अच्छी बात है। चलो ना हम चल के बात करते हैं। हाँ भाई, ये सब हमारे लिए नया है, पर लैला काफी टैलेंटेड है और मैं इस सेक्टर में लोगों को जानता भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। आई एम श्योर तुम सक्सेसफुल रहोगे, और तुम्हें वही काम करना चाहिए जिसमें खुशी मिलती है। मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, और तुम जानते हो ना कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कोई भी एस्पेक्ट में हो। यू कैन काउंट ऑन मी। मैं जानता हूँ तुम हमेशा कहते हो, आई प्रॉमिस यू, अगर हमें हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बोलूंगा। अब बात करने की बारी मेरी ना, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, ओके? बात कुछ अलग है, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा और तुम्हें मुझे जवाब देना होगा और ऑनेस्टली बताओगे, ओके? मैं पिछले कुछ सालों में ज्यादा ही बदल गया हूँ क्या? लाइक क्या मैं अनटाइडी दिखता हूँ या बेघर दिखता हूँ? पता नहीं, मैं कुछ अजीब दिखता हूँ क्या? एक मिनट, ये क्या, जान देवित को उसके लुक्स की फिक्र होने लगी है? ब्रो मजाक उड़ाना बंद करो यार, क्या मैं अट्रैक्टिव हूँ या नहीं ये बताओ ना मुझे प्लीज। मैं कैसा दिखता हूँ, I mean, क्या मैं एक अच्छा पड़ोसी लगूंगा? पड़ोसी? जरा घूमो तो, अपना प्रोफाइल दिखाओ मुझे। देखो मेरी तरफ। भाई मेरा मतलब। हाँ तुम्हारा मतलब? तुम मुझसे काफी कैजुअल ड्रेसअप करते हो और ये तुम पर सूट करता है। मेरी तरफ देखो, मैं हमेशा सूट ही पहनता हूँ, कितनी गर्मी है फिर भी देखो। तुमने तो कहा कैजुअल है ना, मैं उस बारे में सोच रहा था, तुम्हारा मतलब क्या इससे, कंफर्टेबल राइट? तुम कंफर्टेबली कहना चाह रहे हो ना, और कुछ तो नहीं। सही कहा, चलो ना भाई अब चलते हैं। कैजुअल कंफर्टेबल, पर अब मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। सनम ये सब जल्दबाजी में हुआ, अचानक मैं ऑफिस गई और इस्तीफा दे दिया और अपना सामान उठाकर मैं चली आई। बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि तुमने अचानक ऐसा डिसीजन ले लिया? क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? तुमने ये कदम क्यों उठाया? एम्ब्रे और मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तुम क्या करोगी? म्यूजिक का। बहुत बढ़िया, आज तक की सबसे अच्छी खबर थी। अब तुम वापस इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाली हो? हाँ ऐसा ही कुछ। हाँ वेरी गुड। सनी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी डरी हुई भी हूँ, बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। बहुत अच्छा है, मुझे तुम पर भरोसा है और तुम भी खुद पर भरोसा करो, आई ट्रस्ट यू। मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, काफी पीसफुल लग रहा है। लैला मैं आजकल कैसी लग रही हूँ? मेरा मतलब है मैं जिस तरह से ड्रेसअप होती हूँ उस हिसाब से? नहीं तुम खूबसूरत लग रही हो। शायद मुझे शॉपिंग कर लेनी चाहिए, मुझे अपना एक नया स्टाइल लाना होगा अब। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अट्रैक्टिव नहीं लग रही हूँ, मैं ऑर्डिनरी पड़ोस की लड़की लगती हूँ, बिल्कुल किसी पड़ोसी की बेटी जैसी। पड़ोस की बेटी जैसी? कौन पड़ोस की बेटी? कोई बात नहीं लाला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई डोंट फील गुड। कंट्रोल कीजिए, आप इतने सारे चॉकलेट्स एक घंटे में नहीं खा सकते हैं, सही नहीं है ये? माना कि चॉकलेट बहुत टेस्टी है, लेकिन फिर भी आप एक घंटे में इतने सारे चॉकलेट्स कैसे खा सकते हैं, ये गलत बात है। देखिए आप घर जाकर आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है, घर जाइए आराम से पैर छोड़े करके टीवी देखिए, जिंदगी के मजे लो, क्या पता कल हो ना हो। तुम ये क्या कह रहे हो,
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं घर क्यों जाऊँ? मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मेरी दुकान की देखभाल करने के लिए कौन है? लैला को यहाँ आते हुए देखा, उसने कहा कि आपको डायबिटीज है और आप दिन भर यहाँ चॉकलेट खा रहे हैं। अब हम ड्यूटी पर हैं, हम आप पर नजर रखेंगे, अब आप पर हमारी नजर रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉटी बॉय, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या चल रहा है? ये मेरी दुकान है, मुझे जो लगे वो मैं खा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक भी, ब्लीचिंग पाउडर भी, अगर मैं चाहूँ हाँ विनेगर भी, हाँ सबको भी, सब कुछ मैं खाऊंगा, मुझे जितना चाहिए मैं खाऊंगा, ये मेरी चीज है। कंट्रोल कंट्रोल अंकल, गुस्सा मत कीजिए। देखिए हम लोग ये बात आपके भले के लिए कह रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए, मत खाइए इतना, आपको डायबिटीज है और डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया ना आपको। ठीक है, अगर आपको घर नहीं जाना है तो एक काम कीजिए, आप बाहर कुर्सी लगाकर बैठिए, हम आपकी दुकान संभाल लेंगे, आप हमें बाहर से देख भी सकते हैं आराम से, चिंता मत कीजिए, हम दोनों है ना। हेलो मिस्टर निहात, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपके कॉल करने की वजह? हम भी ठीक है, हमें पता चला कि मिस्टर मेफकिपे के डैड बीमार हैं और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द लौट आएंगी, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। हाँ मुझे भी लगता है ऐसे ही। क्या? कुछ नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा मतलब अब वो बूढ़े हैं तो उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा ना जरा। मैं समझती हूँ, उम्मीद है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जल्दी से वापस आ जाए घर पर, है ना? हाँ मुझे भी लगता है ऐसे ही। मिस्टर निहात, हम आज रात को यहाँ आपको इनवाइट करना चाहते थे, हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। डिनर पर मिफकिपे यहाँ पर नहीं है, आप सच में कितने अच्छे हैं, जरूर आपने काफी टेस्टी खाना बनाया होगा, है ना? वो क्या, आपने मेरे खाने के बारे में सुना है, मैं काफी अच्छा बनाती हूँ मिस्टर निहात। ठीक है, आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी, पर प्लीज जल्दी आइएगा ताकि हम एक साथ एक वक्त पर खाना खा सके मिलकर। उनसे कहना कि वो आज रात यहीं रुक सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं चाहती हूँ कि आप चाहें तो यहाँ पर रुक भी सकते हैं और फिर सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट करके भी जा सकते हैं। ब्रेकफास्ट? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मिफकिपे भाई यहाँ नहीं है, हम वो फिर से साथ में कर सकते हैं जब वो वापस आ जाएगी, है ना? ठीक है, हम आपकी राह देखेंगे। ठीक है, मेरे लिए एक चाय लेकर आना। हमें भी चाहिए। और दो। हाँ डार्क ब्लू काफी अच्छा लगेगा, हम बात कर रहे हैं। मेरे पास एक डार्क ब्लू ड्रेस है, मैं वो तुम्हें देना चाहूंगी, तुम रख लो। तुम काफी, मुझे नहीं पता। हाँ तुम्हारा स्टाइल काफी अच्छा है और फ्री और कूल भी, पर तुम कलर तो चेक करो, तुम्हारी एनर्जी काफी हाई है और तुम्हें और किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। देखते हैं। हाँ सच में तुम पर वो बहुत अच्छी लगेगी। कम ऑन। आप लोग यहाँ पर? कुछ भी नहीं। ओ, पड़ोसी पड़ोसी, क्या आपने वो खबर सुनी? अब मैं समझ गई कौन है पड़ोसी। सुना मैंने, मुझे लगता है तुम भी मेरे बारे में यही सोचती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले बिजनेस के लिए कांग्रेचुलेशंस, और हम आपके बिजनेस के पहले कस्टमर बनना चाहेंगे। क्या कह रहे हैं? हमने सनम के क्रीम के लिए कमर्शियल बनाया है। हाँ, और हमें उसके लिए म्यूजिक की जरूरत है, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आप लोग बना लोगे ना म्यूजिक? ये कुछ जल्दी नहीं हो गया? मैं नहीं जानती, हमारे पास फिलहाल स्टूडियो नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है और मुझे भी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ओके डार्लिंग, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, स्टूडियो इक्विपमेंट सब कुछ अरेंज हो जाएगा। इमरी, ये हमारी पहली जॉब है, सीरियसली। सही कहा सनम जान, तुम दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। सुनो, चाय पीकर हम चलते हैं, मिस डेरन का मैसेज आया है, वो पब्लिक टेस्ट का एनालिसिस कर चुकी है, वो हमसे बात करना चाहती है। क्या तुम्हें चाय पीनी है? हाँ पीनी है। हाँ ठीक है, चलो चाय पीते हैं। सनम, तुमने वापस से चाय पीना शुरू कर दिया? मैं मेरे डैड से मिलकर आती हूँ। सनम, मैंने डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, पर कल हम उनके साथ हॉस्पिटल में थे, उन्हें डायबिटीज हो गया है, वो अभी डाइट पर हैं, वो बहुत ज्यादा खाते हैं। क्या वो ठीक तो है ना? ओ, अब तो वो ठीक है, फिक्र मत करना। अब वो मीठी चीजें नहीं खा सकते तो वो थोड़े नाराज हैं। डायबिटीज? ठीक है, मैं उन्हें मिलकर आती हूँ, पर उनसे कुछ मत कहना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मैं जानती हूँ उसे मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा।
पर मैं उससे कुछ छिपा नहीं सकती, उसे जानना जरूरी था। और मैं इसे भर चुका हूँ। मिसेस जमील, ये बहुत ही अच्छा है, एकदम हाई क्वालिटी का है। इसे खाने से आपकी सेहत एकदम अच्छी हो जाएगी। एक बार खाइए और बार बार यहाँ से लेके जाइए। थैंक यू बेटा, अब मुझे थोड़ा सा चीज भी चाहिए। ओके, ठीक है। और अचार भी ड्राई बीन्स के साथ काफी अच्छा लगता है, आप लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। चीज कितना? लगभग 250 ग्राम के आसपास। कितना या इतना? इतना बोलिए, इतना है? इतना इतना ठीक है? अरे क्या कर रहे हो बेटा, बोलो ना, ठीक है इतना बताइए कितना। जे कंट्रोल, क्या कर रहे हो? चीज काटना है, कोई जंग पर नहीं जाना है तुम्हें, तलवार समझ के लड़ रहे हो। जवाब नहीं दे रही थी। मिसेस जमेल, आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने आपके लिए पैक कर दिया है पूरे 400 ग्राम। जो भी हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है 400 ग्राम ठीक है। क्या 25 लीरा काफी है? बहुत हुआ जे, बहुत हुआ, 25 लीरा काफी है, बहुत हुआ। हम फिर से आपकी राह देखेंगे, ये आपकी ही शॉप है, आप जब चाहे तब आ सकती है, हम आपको सर्विस देने के लिए हमेशा। ठीक है बेटा, मैं आती रहूंगी। निहाद, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू आल्सो। अरे यार, ये कितने जिद्दी है, हर चीज पर अपनी नजर बनाए रखे हैं। देखो ना, इन्हें घर जाना चाहिए, घर पर जाके आराम करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहीं पर बैठे। सब कुछ ठीक है। उन पैसों को गले में डाल दो, उनकी नजर तुम्हारे पैसे पर भी होगी। वो पैसे मैं अपनी जेब में क्यों रखूं? फिर हम पैसे कैसे बनाएंगे? नॉनसेंस। डैड, मेरी बेटी। डैड, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा बेटी। डैड, आप ठीक तो है ना? सनेम आओ। अरे अब हम भी ब्रेक लेते हैं, हम थक गए हैं। चलो अब चलते हैं। ये तो हर जगह थक जाते हैं। अरे शर्म करो। डैड आप ठीक तो है ना? मुझे पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये बात आपने क्यों नहीं बताई? तुम कितना बिजी थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और तुम्हारी दीदी कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता रही थी तुम्हें। डायबिटीज एक काफी कॉमन बीमारी है, इसलिए मुझे बीमार मत कहो, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है डैड। हेलो, एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाहता था, आप अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। अब मैं चलता हूँ, सी यू, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक यू, मिलते हैं। हाँ सिनेम, क्या खेत में सब कुछ ठीक है? तुम्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एजेंसी में? नहीं खेत में? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं वहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे पड़ोसी मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमारे भी वहाँ कुछ पड़ोसी है जो हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा अच्छा, अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, और कुछ भी हमारे लिए जरूरी नहीं है बेटा। आप प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है? हाँ, और मुझे कॉल करोगे ना आप? मैं वेट करूँगा। हाँ, ओके ओके, तुम भी मुझे कॉल करना। काम है, हम बाद में बात करेंगे। ओके ठीक है, मिलते हैं। डैड, मेरी खूबसूरत बेटी। चलो हम आ गए। हाँ हाँ, हम आ गए। डार्लिंग तुम ठीक तो हो ना? आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसा लग तो नहीं रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है एम्री, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, क्या मैं कर पाऊँगी? शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और ये आदमी सेक्टर का पावरफुल आदमी माना जाता है, मुझे पूरा भरोसा है तुम ये कर लोगी। थैंक यू। कैसे हैं आप? हेलो, कैसे हैं आप? हेलो, हमारी अपॉइंटमेंट थी मिस्टर फरीद के साथ। मिस्टर एमरे, राइट? आइए। तुम घबराओ मत, ठीक है? मेरे साथ आइए, सब ठीक होगा। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर फरीद। लैला,
फेरित, तो यकीन ही नहीं हो रहा कि दुनिया इतनी छोटी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हेलो, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, फेरित मेरे म्यूजिक टीचर रहे हैं और बाद में जब मैं हाई स्कूल जाती थी वहाँ ये ट्रेनिंग देते थे मुझे, इसलिए मैं जानती हूँ इन्हें। Come on, have a seat. हाँ, all right, चलो। I don't believe this. मुझे भी। मैं भी विश्वास नहीं कर पा रहा। क्या तुम पीना चाहोगे कुछ? चलो एक्सरसाइज करते हैं। मेरी आइडियल वुमन को तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। हैवी वेट। ये तो इम्पॉसिबल है। सनम, क्या कर रही हो? क्या? मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, यही मेरा लाइफस्टाइल है। मैं ऐसे ही रोज एक्सरसाइज करती हूँ। तुम्हारी लाइफस्टाइल? लेकिन आप तो यहाँ एक साल से थे ही नहीं, तो आपको कैसे पता होगा ना। ऑफ कोर्स मैं इसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ और अपने मसल को स्ट्रांग बनाऊंगी, इसलिए अब मैं यहाँ ये उठाने की कोशिश। ओके ओके, ये बहुत हैवी है, तुम ये छोड़ो। तुम एक काम करो, ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। वो हैवी उठाने की जरूरत नहीं फिलहाल। मैं इसे उठा लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। वैसे ये बहुत आसान है, देखिए ना कितनी आसानी से कर ली। सनम, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कर रही हो, वरना मुझे देखो। तुम खुद को एंजॉय कर सकती हो और तुम्हारे मसल्स भी बहुत बढ़ जाएंगे, एंड आई एम श्योर तुम ऐसा नहीं चाहती हो, am I right? तो प्लीज जरा तरीके से करो। हाँ? मैं एक राइटर हूँ और राइटर के हाथ हमेशा मजबूत होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पेंसिल हाथ में पकड़ते हैं और वो सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है हमारा, और ये मैं अच्छे से कर लूंगी, चिंता मत कीजिए, मुझे आदत है। ओके जॉन, सनम, आप दोनों यहाँ आ सकते हैं अभी। मुझे कोई एक्सरसाइज भी नहीं करने देता। मेरी आइडल वुमन बहुत शांत और कूल रहे। थैंक यू सो मच। अगर आप रेडी हैं तो क्या मैं आगे बता सकती हूँ? ओके, उन्हें हमारा काम पसंद आ गया है, उन्हें हमारा स्लोगन भी अच्छा लगा। मैं कुछ ग्राफिक डिजाइन तैयार कर चुकी हूँ, अब आगे के प्लान्स तैयार करने हैं। ओके, करते हैं। हाँ, मैं कुछ मैगजीन्स के मैनेजर से बात कर चुकी हूँ जिन्हें मैं जानती हूँ। ये रही लिस्ट, अगर आप इसे चेक कर लें और डिसाइड करें तो मैं आगे इनसे बात कर सकती हूँ। जब हम ये सब कर लें उसके बाद हम डिनर अरेंज करेंगे सेलर क्लब के साथ, हमें और काम मिलेगा। हाँ बिल्कुल। साथ में जिसे कुछ कहने से पहले वो मेरी जरूरतों को समझे। फाइनली मैं उस लॉयर तक पहुँच गया आज। वो शहर में रहता है, उसका नाम हलुक है। इसके पीछे कोई और है, मैं श्योर हूँ, पर हम इंतजार करेंगे, देखते हैं लॉस क्या कहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों हमें कोई परेशान कर रहा है, हमारी एक छोटी सी क्रीम की कंपनी है और किसी को हमसे डरने की क्या जरूरत है। इसे ऐसा मत समझो, शायद उसमें प्रॉफिट हो। अच्छे ब्रांड के साथ अगर जाओ तो लोग काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं उसमें। थैंक गॉड आप मेरे साथ हैं। मेरा मतलब थैंक यू मिस्टर डैरन, आप मेरे साथ हैं। हाँ ठीक है। एंड बुलेट यू टू और मिस्टर जान, मेरे प्यारे पड़ोसी। जान, आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मैं सबसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत डिलीशियस हाँ लेमनेड तैयार किया है आपके लिए और मैं आपको सर्व करती हूँ। संभल के। ठीक हो। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की मेरे पास होती तो मैं दुनिया से छुपा के रखता उसे। हाँ हाँ। मेरे हाथ में जो कुछ भी है मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हें बस भरोसा रखना होगा। हाँ, मैं भी ऐसा ही करना चाहूंगा। कैसे इत्तेफाक की बात है ना कि आप दोनों इतने सालों बाद मिले, वो भी अचानक से। इतने सालों की भरपाई जो है वो चुकाएंगे ना एक साथ, तुम चिंता मत करो जरा भी। थैंक यू फेरित, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेकिन मुझे नहीं पता था अब मुझे क्या करना चाहिए।
तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसा ही होगा। हाँ मुझे पता है ऐसा ही होगा। म्यूजिक स्टूडियो तुम्हारे लिए तैयार हो चुका है, तुम जैसे चाहे उसे यूज कर सकते हो। तुम छोटे छोटे जिंगल भी रिकॉर्ड कर सकती हो इसमें। क्या तुम्हें कोई प्रोड्यूसर का काम मिला? नहीं, लेकिन मैं एक मीटिंग अरेंज कर सकता हूँ। कस्टमर मेरा भाई और लैला की सिस्टर ही है, तो हो जाएगा। ओह वेरी नाइस। तो ऐसा ही करते हैं, आज रात को हम दोस्तों के साथ बाहर जाने वाले हैं, तो एक हम म्यूजिक शो कर सकते हैं उसके लिए। क्या हम करें क्या म्यूजिक शो? तुम भी हमारे साथ आओ, तुम साथ आओगे तो अच्छा लगेगा और कॉन्टेक्ट भी अच्छे होंगे हमारे। हो सकता है, आप क्या कहते हैं? हाँ क्यों नहीं, हमारे लिए भी अच्छा चेंज हो जाएगा। अगर आप इसे अप्रूव करते हैं तो मैं इसे भेज दूंगी। ओके, इसके दो वर्जन्स भेज दो। हाँ ठीक है, ये रहा लेमोनेड। वो लॉयर जमल का भी लॉयर है, वही इंसान जो हमारे क्रीम को अपनी ब्रांड बना के बेच रहा था। जमल, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? रुको एक सेकंड, ये बहुत छोटी जगह है, एक इंसान कई तरह के काम एक साथ कर सकता है ना? डेरिन ने सही कहा है, सबसे पहले शांत रहो, पहले हमें उस लॉयर को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं जाकर बात करूं। मैं भी साथ चलूंगी। शायद वो ऑफिस से निकल चुका होगा, मेरी बात हुई उससे। वैसे काफी लेट हो चुका है, हम लोग कल चलते हैं। हाँ लेट हो गया है, मुझे थोड़ा काम भी है, चलती हूँ। मैं आया। ओह वेलकम वेलकम। थैंक यू। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं बताइए? मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। मैं तो ऑलवेज फाइन। मेहरबान ने कुछ अच्छा पकाया होगा। हाँ, वो अभी किचन में ही है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया डिशेस बना रही है, जिसे खाकर आप खुश हो जाओगे। आप आ गए, वेलकम मिस्टर निहात, कैसे हैं आप? थैंक यू मेहरबान, मैं आपके लिए ये बकलावा लाया हूँ। क्या नाम, मीठा खाकर मीठी बातें करें। बहुत काइंड है मिस्टर निहात, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। आज मेरी फोन पर लैला से बात हुई थी। आज उसने बताया कि आपके लिए मीठा बैन है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम आपसे बकलावा दूर ले जाते हैं, चलिए अब चलते हैं। क्या बात है, ये प्लेट्स कितनी अच्छी सजाई है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इससे पहले मैंने ऐसे सुगंध का अनुभव नहीं किया, यकीन है खाना टेस्टी होगा। वो आपको टेबल पर पता चलेगा। ओ ठीक है, खाने के लिए बैठा हूं। कुछ है जो हमें करना होगा, हम खाने से एक घंटा पहले और खाने के एक घंटे बाद वॉकिंग करने जाते हैं। कभी कभी डेढ़ घंटा भी कभी कभार, और इस वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज का मतलब डिसिप्लिन, ये हमारा डेली रूटीन है अजीज के साथ, आपको भी आज ही फॉलो करना होगा। हाँ मैं समझ गया, लेकिन वॉक पर जाने से पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए, मेरा मतलब अगर मैं थक गया तो। हमें तब तक चलना है जब तक हमें भूख नहीं लगती है, कम ऑन। हाँ चलो चलो चलते हैं, चलो पहले सरम के पास जाएंगे फिर वापस आकर खाएंगे। मिस्टर निहात आप कितने स्वीट हैं, सनीम का घर तो बहुत ज्यादा पास में है, सिर्फ 2 मिनट पर। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, हमें 50 बार सनीम के घर तक चलना है, ये सही रहेगा, उसके बाद हम हमारा खाना खाएंगे। कम ऑन 50 बार इतना ज्यादा नहीं है, चलिए आप चलिए आपको मजा आएगा। मेरे आइडियल वुमेन के कपड़े अगर सिंपल हुए तो भी वो सिटी वुमेन दिखनी चाहिए। कम ऑन मिस्टर जान, अब देखते हैं आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, चलो देखते हैं। हाँ मैं सनम, अब तुम देख ही रह जाओगे। लैला और एमरे से मिलने जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो साथ चलें। ऑफ कोर्स, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो। ओह गॉड, मेरी कोई मदद करो, मुझे उन्हें नहीं देखना। तुमने कुछ कहा? बात देखो, मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, मैं बस यही कहना चाहती थी, और थैंक यू इस म्यूजिक बिजनेस में मेरा सपोर्ट करने के लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। माय प्लेजर, शोन उसकी तरफ मत देखो प्लीज। आपने कुछ कहा? सनम पता है लोगों को ना
कभी अपने पास्ट में नहीं देखना चाहिए। आप सही है मेरे पड़ोसी। हाँ हाँ नेबर, काफी गर्मी हो रही है ना? हाँ पड़ोसी, बात कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई है। आपने कुछ कहा? नहीं। ओ नहीं, कुछ नहीं। क्या उन्हें मेरा खाना पसंद आएगा? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों क्यों, उनका पेट इतना बड़ा कैसे हुआ? डार्लिंग, हम पहले कैसे सोच सकते हैं, शायद उन्हें पसंद आ जाए। मिस्टर निहाल, वो आपको क्या हुआ? आप नीचे कैसे गिर गए? नहीं नहीं, मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, आप जाइए। नीचे बैठ जाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे नहीं हो सकता, चलिए कमाल, उनकी मदद कीजिए। मिस्टर निहाल आप बहुत स्वीट है, हम बस पहुँच गए थे। सनीम का घर यहीं पर है, चलो चल के अंदर उसमें देखते हैं। हाँ चलिए ना, अभी हम घर चलकर खाना खाते हैं, ठीक है? हाँ ये सही रहेगा, खाना खाएंगे। जब भी मैं शब्द सुनता हूँ खाना, बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूँ मैं, एनर्जी आ जाती है। पहले थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन 5-6 बार करने के बाद बहुत अच्छा लगने लगेगा। 5 या 6 बार? क्यों 5-6 बार? बॉडी को आदत हो जाती है ना मेटाबॉलिज्म। क्यों सही है ना, जब हमारी बॉडी एक ही चीज को बार बार करती है तो उसे आदत हो जाती है। मेरी बॉडी दर्द करने लगी, बहुत डरते हैं, पैर दर्द करने लगे। हेलो डेनिस बेटा, कैसे आप? हेलो मेरी बेटी, कैसी हो तुम? I'm sorry, उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी चलने के लिए कहा और मैं पूरा पसीने से लथपथ हो गया। सनीम कहाँ है? मैंने उसे देखा। सनीम बाहर में गई है बिजनेस के लिए। वो वहाँ बिजनेस के लिए गई है, मेरा मतलब है सनेम बार में बिजनेस मीटिंग के लिए गई है। वो क्या है ना, उसकी क्रीम है ना, बस उसी से रिलेटेड है काम। ये अच्छी बात है, वो दिन में बार में गई है, रात में नहीं गई है। अच्छा बताओ वो अकेली गई है? नहीं नहीं अकेली नहीं गई है, जान है ना उसके साथ। मैंने जान कहा कि जान जान का भी हिस्सा है उस क्रीम में, जान का भी हिस्सा है। हाँ वो क्या है ना, वो बिजनेस पार्टनर होने के कारण उसके साथ गया है, वो प्रोफेशनल है ना। प्रोफेशनल? क्या जान क्रीम बिजनेस में पार्टनर है? क्या है कि जान हमेशा साथ में रहता है, वो लोग साथ में ही वापस आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिजनेस को लेकर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, अब वो बड़े हो गए हैं, अपने फैसले ले सकते हैं। सच है, सनम काफी सुलझी हुई लड़की है, उसे पता है उसे क्या करना है, हमें नहीं सोचना चाहिए। सनम घर पर नहीं है तो हम वापस चलते हैं। हाँ चलो ठीक है, चल चलो। तुम उसे बता देना आज रात मैं यही रुकने वाला हूँ। ठीक है ठीक है। मिस्टर निहात नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। नहीं नहीं, आपको हमारे साथ रुकना होगा, और सनीम जो चाहती है उसे करने दीजिए, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव मत डालिए, कुछ भी गलत नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। और हाँ, मैं आज रात तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, प्लीज हमारे साथ रहिए। ठीक है, मंजूर है, मैं यही रुक जाऊंगा आपके साथ में, ठीक है? ऑल राइट, चलो चलते हैं। हाँ, आपको भूख भी लगी होगी? हाँ भूख तो लगी है, चलिए। कौन पहले पहुंचते हैं, आ जाइए। एनर्जी आ गई, खाना खूब सुनते। मिस्टर निहाल रुकिए। हाँ रुकिए, गिर जाएंगे आप। ब्रावो, दैट वाज सो नाइस, कितना मजा आया ना, कितना अच्छा लग रहा था। हाँ तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, किस तरह एक और। उन्हें क्या हो गया, सब ठीक है? उन्होंने अपनी स्टाइल बदल दी है, उन्हें कुछ भी मत कहिएगा, आप समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है, समझ गया। हाँ तुम फिक्र मत करो। हेलो, ओह वेलकम, व्हाट्स अप? कैसे हो जान? गुड गुड थैंक्स। हेलो एमरे, बैठो यहाँ। चलो हाँ, तुमने मुझ में कोई बदलाव नहीं देखा क्या? आज मैं कैसा लग रहा हूँ? मुझे लगा था तुम लोग नोटिस करोगे, कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन ये तो गलत है। एमरे, ओ नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो कुछ भी नोटिस नहीं किया। कहाँ है फिर? क्या चेंज है बताइए।
जैसे मैं, क्या तुमने कुछ भी नोटिस नहीं किया? क्या मैं पहले जैसी सेम लग रही हूँ? क्या मैं पहली वाली सनम नहीं लग रही हूँ? तुमने नोटिस नहीं किया? तुम काफी ब्यूटीफुल हो हनी। मुझे तो कुछ भी चेंज नजर नहीं आ रहा है। हाँ, तुम लोग कुछ पीना चाहोगे? किसी ने कहा है प्यार अंधा बना देता है। मुझे लगता है यही रीजन होगा, हम भी यही पियेंगे। मुझे वोट का चाहिए आज चेंज के लिए। फरीद कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, उनसे तो मैं बात कर चुकी हूँ, मुझे लगता है वो आते ही होंगे। उसने मुझे क्यों नहीं कॉल किया? मुझे नहीं पता, हमारी बात हुई, वो यहाँ आते ही होंगे। आने तो फिर उसे दिखाता हूँ। वो यहाँ है, देखिए। कैसे अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? कैसे हो? कैसे मिस्टर फरीद? कैसे हो? हेलो, मेरा नाम फरीद है। जानदेवत, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। हेलो, कैसी हो? हेलो फरीद, मैं हूँ सनम, लैला की बहन। नाइस टू मीट यू सनम। सनम आयदन, सनम आयदन, राइटर सनम आयदन। मैं तुम्हारी बुक पढ़ चुका हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अगली बार मैं बुक लेकर आऊंगा, आप मुझे बुक पे साइन दोगी ना? हाँ सर। दोनों टैलेंटेड सिस्टर, आपकी फैमिली बहुत ही ज्यादा लकी है, सही में। लैला एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड म्यूजिशियन है, पर वो उसे छुपाना ज्यादा पसंद करती है। ऐसा नहीं है, ये जंगल हमारी पहली जॉब है और हम वो फेरिस के साथ कर रहे हैं, उम्मीद है वो कर पाऊंगा। लैला, तुम जो चाहे वो कर सकती हो यहाँ पे। थैंक यू। मैं तुम्हें बहुत जल्द स्टेज पर मिलूंगा, ओके? मिलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सी यू, एंजॉय, मिलते हैं बाद में। सी यू, बाय। मिस्टर फेरिस को तुम पर काफी ट्रस्ट है, नहीं? हाँ, मुझे भी लगता है। उसने तुम्हारी बुक पढ़ी है, मुझे लगता है वो बात को बढ़ा रहा है, वो ज्यादा बातें कर रहा था, अननेसेसरी बातें। सही कहा भाई। तो तुम कह रहे थे कि कोई चेंज तो है। हनी, मैं तो कोई चेंज नोटिस नहीं कर पा रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है वो चेंज, बताओ। हाँ ये चेंज है, मैंने वो नोटिस किया, कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या तुम्हारे बाल, ये एक डिफरेंट स्टाइल है, तुमने करवाए? हाँ, अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है, पर मैं कोई चेंज नोटिस नहीं कर पाई। ठीक है, क्या कोई मजाक हो रहा है यहाँ? ऐसे ही। अच्छा। और उसके बाद अब अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, कुछ खाते हैं अब। खाने का टाइम हो गया है अब, है ना? हाँ, शाम तो हो गई है, क्यों ना बैकगमन खेले, क्यों ना पिछली बार का खेल पूरा कर लें हम, जो छोड़े थे हम। मुझे खेलने में बहुत मजा आता है, लेकिन अब क्या है, डिनर का टाइम। सही समझे आप तो, डिनर का टाइम हो गया फाइनली। आइए आइए, बैठिए ना प्लीज। प्लीज बैठ जाइए। हाँ तो खुश दिख रहे हैं ये? हाँ बिल्कुल। आपने लजीज खाना बनाया है? हाँ बिल्कुल, खाइए। क्या हुआ? बॉन अपेटी। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। हाँ वो मैं भूल गई थी, टेबल पर ही है ना। हाँ लेकर आई, मैं ले गया। अच्छा, ये लीजिए, अब ठीक है। मुझे लगता है आपसे जल्दबाजी में एक चीज भूल गए, आप ब्रेड लेके आना। हमने ब्रेड खाना काफी दिनों से छोड़ दिए, हम खुद को तीन सफेद चीजों से दूर रखना चाहते हैं, एक फ्लोर, दूसरा शुगर और तीसरा सॉल्ट। सॉल्ट, हम खुद इन चीजों से अपने हेल्थ के लिए दूर रखना चाहिए और कुछ नहीं। बस ऐसा क्या? पर हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ये देखिए ना। क्या कुछ लेंगे? डिनर से पहले नहीं। ये जगह कितनी अच्छी है, मुझे पता नहीं था कि टाउन में ऐसी भी जगह है। मैं शायद यहाँ ज्यादा आती नहीं, इसलिए वैसे मुझे नहीं पता था ये जगह इतनी अच्छी होगी। मैं काफी टाउन में जा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारा वक्त मैं घर पर ही बिताती हूँ, लेकिन आज इस कॉकटेल पार्टी में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एंजॉय करने वाली हूँ, आज तो मैं बहुत एंजॉय करूंगी। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? श्योर। काफी लाइट ड्रिंक है, हाँ, पर इसे जल्दबाजी में मत पीना, क्या है ना उससे तुम ड्रंक हो जाओगी और फिर मजा भी नहीं आएगा। ये अजीब बात है।
ओ ये तो चेरी जूस लग रहा है। अनबिलीवेबल है, वैसे मैंने इसे पिया इसलिए मैं नहीं हंस रही। मैं तो इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं हंसना चाहती हूँ और यहाँ आकर मुझे काफी मजा आ रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। उसे देखो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नाम है ना इनका। दोस्तों आज यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, उम्मीद है कि आप सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे होंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्स को जो मेरी खास है, जो मेरी फ्रेंड है, वो हमारे सामने गाना गाएगी। वो बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन है, लैला आयजन। जाओ डार्लिंग, कम ऑन, उठो उठो, जाओ। मैं अकेले कैसे गा सकती हूँ। ठीक है, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? ब्रावो! हेलो, क्या मैं लेट माय सैड हार्ट अलोन गा सकती हूँ? ठीक है। तुम भी डुएट करना। क्या तुम भी ना भाई, कसम से। पर लैला तुमने क्या परफॉर्मेंस दी, तुमने बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया यार, ब्रावो। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। हम तो चले डांस करने, सच कम ऑन डार्लिंग। रुक जाइए, हम यहाँ से लोगों को डांस करते हुए देखेंगे। क्या तुम ज्यादा ही फास्ट नहीं पी रही हो? स्पीडी। हाँ स्पीडी हो गई, अब मैं बदल गई हूँ। वैसे ये मैं इसी तरह जीना चाहती हूँ। मेरी आइडियल वुमन मुझे डांस के लिए इनवाइट करे। हाँ, वो मुझे इनवाइट करे। क्या हम डांस करें साथ में? मैं जानती हूँ आप भी करना चाहते हैं। Can benimle kalbini al aklım gibi hissimi al çünkü özlüyorum.
मेरे प्यारे पड़ोसी, ये लाइट्स, ये एटमॉस्फेयर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। आज मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर चुकी हूँ, इसलिए थक गई हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे अब थोड़ी देर में चक्कर आ जाएगी और मैं गिर जाऊंगी। तो क्या मैं अपना छोटा सा सिर आपके कंधे पर रख सकती हूँ? मतलब मुझे आराम मिल जाएगा, यकीन मानिए। ओके। आपको पता है जब मैं बेबी थी बेड पर काफी करवटें लेती थी। फिर मैं तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ता हूँ, ये काफी कंफर्टेबल है, तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम अच्छा फील करोगी, यू नो। आई होप तुम अच्छा फील कर रही हो। काश मैंने इसके बारे में पहले सोचा होता, वरना मैं पहले ही कह देती। हाँ। पड़ोसी। और सनम, तुम एक कूल वुमन कभी नहीं बन सकती। आप बहुत ही हैंडसम है, मैं कैसे डिस्क्राइब करूं? आप एक एक्सलेंट हैंडसम पड़ोसी है, आप कितने अच्छे हैं। तुम भी बहुत ब्यूटीफुल नेबर हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, खूबसूरत। प्लीज ऐसा मत कहिए, वरना मुझे यकीन हो जाएगा। हाँ चलिए। सनी, हम बात कर रहे बस हैं। बस। म्यूजिक खत्म हो गया है, आप भी डांस कर रहे हैं। हाँ। अभी भी चलिए। हाँ, म्यूजिक तो बंद हो गया, अब वो इस जगह को बंद कर रहे हैं, हमें जाना होगा। चलो अब चलते हैं। ये जगह बहुत अच्छी है, हम यहाँ फिर आएंगे। हाँ जरूर, हम दोबारा आएंगे, लेकिन अभी तो चलो। हाँ, हम यहाँ अक्सर आएंगे। हाँ, हम यहाँ फिर से एक बार आएंगे। हाँ, हम यहाँ फिर आएंगे। चलो अब मैं तुम्हारी बैग ले चुकी हूँ, हम चलते हैं। हाँ चलो चलो, सही लग रहा है क्या? मैं आपको पकड़ूं? हाँ, पड़ोसी sure, sure. ये काफी अच्छी जगह है, म्यूजिक बहुत अच्छा था, थैंक यू। लैला मुझे एक बात बताओ, ये जो फेरे थे ये पहले तुम्हारे पीछे पड़ा था ना? लैला ने तो मुझे कहा था कि उसका दोस्त है, हालांकि मैं उसे पहले कभी नहीं मिली। तुम छोटी थी, तुम्हें समझ नहीं आया होगा, लेकिन वो बचपन से ही तुम्हारे पीछे पड़ा होगा। नॉनसेंस एम्ब्रे, फॉर गॉड सेक, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, आपको जलन होती है। सच में? मेरा आइडियल मैन मुझे अपना जैकेट कभी नहीं दे, चाहे जितनी भी ठंड होती है वो अपना जैकेट कभी नहीं। हम यहाँ से कैब ले लेते हैं। हमारे पास कार है भाई। नहीं, ड्राइव नहीं करना चाहिए, एक्चुअली हमने पी रखी है, तो मैं कल आकर गाड़ी ले लूंगा। क्यों ना सीधा हमारे घर चल, कल वैसे भी यहाँ आना है और डैड भी आज फार्म पर रुके हैं, इसलिए चलो। थैंक्स लैला, पर सनम चाहे तो वो रुक सकती है। लैला बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, आप लोग हमारे घर में आ जाइए, हमारा घर पास में ही है, आ जाइए। हाँ ठीक है ठीक है।
ये इस तरह से काम नहीं करता। हाँ सनम। हाँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे घर में सोने की आदत नहीं रही, पर मैं बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं सो सकता हूँ। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं चलता हूँ। वैसे आपने पी रखी है और आपने अपना स्टाइल भी बदल दिया है, और ये इतनी रात को कहाँ जाएंगे आप? वैसे आप जाना चाहो तो जा सकते हैं। वैसे मैं हमारे बीच में कुछ रख देती हूँ। हाँ ऐसा करो। इस साइड। ओके। ये काफी सडन है और आपने इतनी जल्दी कैसे एक्सेप्ट कर लिया? इधर दीजिए, मैं ये ले लेती हूँ। क्या तुम हम दोनों के बीच दीवार बना रही हो? मैं दुश्मन नहीं हूँ यार। नहीं, कम ऑन। बस आपके कम्फर्ट के लिए। ओके। ठीक है, मैं भी ऐसा करती हूँ। क्या आप कम्फर्टेबल हैं? बहुत ज्यादा, मैं कम्फर्टेबल हूँ। और तुम? सुपर। गुड नाइट नेवा। हाँ गुड नाइट पड़ोसी। जब से जान आया है तुम अच्छा खाना तक नहीं बना पा रही हो। क्या हो गया है तुम्हें सनम? मैं पूछ एक बना रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि वो जान के लिस्ट में था, क्योंकि उनके आइडियल वुमन को पूछ वुमन बनाना आना चाहिए। इसलिए इसका क्या कनेक्शन है? तुम बकवास कर रही हो। मैं पूछ एक बना रही हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है और अच्छा खाना बना लेती हूँ। मैं इसे बना रही हूँ बस चेंज के लिए। तुम फिर से सातवें आसमान पर हो। पहले रेसिपी तो पढ़ लो। पानी को स्टेयर करो और उसमें अंडा डालो। आह सनम आह, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ये तो ऐसा ही करना था। ओह इसमें भी तो यही लिखा है। देखा अब ठीक है ना? तुम बहुत होशियार हो सनम। देखा मैंने कर दिखाया, मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियार हूँ। ब्रावो ब्रावो, अब परफेक्ट है ना? मुझे खुद पर नाज है। मैंने कर दिखाया, आई लव यू। ये मैंने आपसे नहीं कहा। किससे बात कर रही हो? अपने इनर वॉइस से। तुम्हारी इनर वॉइस से बात बनती है ना? हाँ बहुत अच्छे से। सही है, तुम्हारे पास अच्छा दोस्त है। वैसे क्या बना रही हो? वैसे मैं पोच एग्स बना रही थी, आपको पसंद है ना? पोच्ड एग्स? मैं नहीं जानता, अगर तुम चाहो तो उसमें थोड़ा बटर डाल दो और चिली पेपर भी, फिर उसमें टेस्ट आ जाएगा। पर अगर सिर्फ पोस्ट एग्स अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ऐसी बात है। अगर आपको वैसे आपको अगर पोस्ट एग्स पसंद नहीं है तो फिर आपने
वैसे कोई नहीं, भूल जाइए उस बात को। गुड मॉर्निंग। हाँ ये सब क्या है, तुमने तो ये सब बना दिया, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। आज सुबह हमने सोचा कि पोज एक पार्टी कर लेते हैं। क्या ये सब क्या है भाई? पोज डेग्स इसे उबालते हैं पानी में और फिर बाहर निकाल कर उस पर चिली सॉस डालते हैं, बस इतना ही, ज्यादा स्पेशल डिश नहीं है, यू नो। ऐसे कैसे? लगता है आपने कभी पोज एग्स खाए नहीं? नहीं खाए। क्या आपको सच में पता? नहीं, सच में मैंने पहले नहीं खाया। मेरा मतलब आपने इससे पहले नहीं खाया कभी? आइए आइए बैठिए ना, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले पोज एग्स खाऊंगी और फिर मुझे जाना होगा क्योंकि फेरिट स्टूडियो में मेरा इंतजार कर रहा होगा। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, इसी बहाने उससे हाय हेलो भी हो जाएगी। हाँ ठीक है। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पोज एग्स है और जरूरी नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं संभाल लूंगी। उसे थोड़ा टर्न कर लेना। चलो सब कुछ ठीक है, रेडी? ठीक है, अब मैं लैला को अंदर बुलाता हूँ। स्टूडियो रेडी है, अगर आप रेडी हो तो अंदर चले। ऑल सेट? अभी? हाँ अभी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। डार्लिंग काम डाउन, एक वक्त आएगा जब तुम बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करोगी, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मेरा मजाक मत उड़ाइए। रिकॉर्डिंग अभी खत्म हो जाएगी, एक दो घंटे बाद तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम लैला को लेने आ जाना, ठीक है? आ जाओ। नहीं नहीं, मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, मुझे भी मेरी वाइफ की खूबसूरत आवाज सुनने का मन है। अक्सर ऐसा होता है कि अपने करीबी लोगों को स्टूडियो में देख के खुश हो जाते हैं, आप डिसाइड कीजिए। नहीं नहीं, मुझ में कभी भी हिम्मत नहीं आती अगर एमरी मुझे सपोर्ट ना करते, जब वो मेरे पास होते मुझे अच्छा लगता है। चलो हम शुरू करते हैं। चलो डार्लिंग, लेट्स गो। मिसेस उमा, तुम यहाँ कार के नीचे क्या कर रहे हो? मेरी स्टिक नीचे गिर गई थी, वही उठा रहा था। गुड मॉर्निंग मॉम। हाँ हेलो मुझे रास्ते में ये दिखा, क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? नहीं मॉम, आप घर जाइए। अब नहीं, मैं यही रहना प्रेफर करूंगी, ऑफ कोर्स अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। बैठिए ना मिसेस उमा, प्लीज। ईद? सनम, मुझे तुमसे बुक के बारे में कुछ बात करनी है, क्या हम कर पाएंगे क्या बात? फिलहाल क्रीम प्रोडक्शन को लेकर कुछ बातें चल रही है, मुझे काफी सारी चीजें सॉर्ट करनी है, बुलुत भी आ गया, मुझे उसके साथ थोड़ा काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। गाइस, एक बैड न्यूज है, हमारा लॉयर नहीं आ पाया, शायद वो एक काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है। चलो चाहे लॉयर भाग गया हो पर जमल नहीं भाग सकता, मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। नहीं सनम, हमें लॉ को फॉलो करना होगा और उसके पहले हम उसे ढूंढना होगा। नहीं बुलुत, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, देखो हम क्रीम बना रहे हैं, कल को हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे पर मुझे लगता है कि लॉयर ना मिलने के पीछे जमल का हाथ है, तो मुझे उनसे मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सनम, मेरे हिसाब से तुम्हें बात करनी चाहिए। सनम, अगर तुम पूरा वक्त क्रीम प्रोडक्शन में लोगे तो बुक कभी लिखोगे सनम तुम? हाँ मैं जानती हूँ पर मुझे जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। एनीवे अब मुझे चलना चाहिए, मुझे उसे ढूंढना है, मैं चलती हूँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, हम साथ चलते हैं। क्या किसकी कार? मेरा मतलब कार से जाओगे? ऑफ कोर्स मॉम। मैं भी चलती हूँ। ठीक है, हम तुम्हें फोन करेंगे। आराम से चलो। आराम से ही तो चल रही हूँ।
शुभम वैसे आप हमारे साथ क्यों आई? वो मुझे टाउन में कुछ काम है, बैंक जाना है ना, इसीलिए तुम्हारे साथ आ गई। वैसे जान, हमें इस कार को सर्विसिंग के लिए ले जाना चाहिए। देखो ना कैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। नहीं, कहाँ कोई आवाज आ रही है, रोड की वजह से शायद आपको ऐसा लग रहा होगा। ओ, आप ठीक तो है ना? कुछ तो गड़बड़ है, कार को साइड में रोको। साइड में रोको ना जान, मैं उधर का चेक करती हूँ। रोको साइड में। हाँ, रोक दो यहीं पर। बस ठीक है। मॉम, आप क्या कर रही हैं? बेटा, अब जरा कार से उतर कर देखो ना कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है ना। बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं कार में से, एक बार चेक करो। मॉम, जान मुझे बहुत बुरी सी फीलिंग आ रही है, एक बार चेक कर लो ना प्लीज। आपकी मॉम इतना कह रही है तो जाके एक बार चेक कीजिए। बुरी फीलिंग्स मतलब कैसी फीलिंग्स? पता नहीं सने, बस जी घबरा रहा है, यू नो। कोई बात नहीं, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। वो ऐसा भी चेक कर लो, कहीं कुछ लीक तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, आप डरिए मत। पता नहीं सने, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं मॉम, सब ठीक लग रहा है। कहीं टायर की जगह स्टेयरिंग में तो कोई गड़बड़ नहीं है? नहीं मॉम, प्लीज बैठ जाओ। ठीक है, मैं बैठ तो जाती हूँ, पर प्लीज कार चलाने से पहले सब कुछ एक बार अच्छे से चेक कर लेना, समझ रहे हो ना? ठीक है मॉम, बैठ जाओ। आराम से चलो। मिसेस सुमा, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। हाँ माँ हूँ ना, थोड़ी घबरा जाती हूँ, ये तो हर मॉम के साथ होता है। तो मैं, गर्मी हो रही है क्या, एसी चालू करूं? नहीं नहीं, जंगल की ताजी हवा एसी से भी बेहतर है। अच्छा, मुझे जंगल से याद है, वो ड्रॉ खोलोगी प्लीज? जुनिपर बेरीज, ये यही मिले आपको? तुमने कहा था ना तुम्हें जुनिपर बेरीज से परफ्यूम बनाना है, तो उस दिन मैं जंगलों से गुजर रहा था तो मुझे दिख गया, तो मैंने कलेक्ट कर लिया। मैं तुम्हें वो जगह बता दूंगा, तुम जाकर कलेक्ट कर लेना जब भी तुम्हें जरूरत हो। हाँ, थैंक यू सो मच, हम साथ में जाएंगे। मिसेस सुमा, आपको म्यूजिक सुनना है? हाँ। यहाँ आसपास कोई कैब स्टेशन है क्या? हाँ, रोड की उस तरफ होगा शायद। मॉम, आपको यहाँ काम था राइट? हाँ हाँ, पर अब मैं वो काम बाद में कर लूंगी। तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर आकर मजा आया। ठीक है बेटा। सनम, बाय डियर। मेरी प्यारी सनम, उन्होंने मुझे प्यारी कहा? हाँ, उन्होंने तुम्हें मेरी प्यारी सनम ही कहा, काफी अनयूजुअल। अरे नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मिसेस युमा ने मुझे पहली बार कुछ अच्छा कहा है। जमाल की दुकान, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सुनो, जाने से पहले, जो इंसान मुझसे प्यार करता है वो मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करेगा और मुझे सपोर्ट करेगा। तुम जाओ ना, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें सपोर्ट करने जरूर आऊंगा। तुम जाओ और उस आदमी को सबक सिखाओ। ओह नो, मैं यहाँ हील्स पहन के क्यों आई हूँ? तुम जमाल हो? हाँ मैं हूँ। हेलो मिस्टर जमाल, मैं सनम आयदन, जिस क्रीम को तुम सीक्रेटली ज्यादा प्राइस में बेच रहे हो उसकी ओनर। तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई? देखिए बहन जी, मैं वो तुम्हारी बहन नहीं है, उसे मिस सनम कहो।
समझे बेटा, प्लीज रिस्पेक्ट से बात करो, ठीक है? चलो मिस सनम, देखिए फार्म में जो हुआ उसके बाद मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, तो अब आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं अब कुछ और नहीं बोलना चाहता हूँ। मतलब आज जो लीगल नोटिस मुझे मिली है उससे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है और तुम्हारा क्रीम की चोरी में कोई हाथ नहीं है, ऐसा कहना है? तुम्हें लीगैलिटी समझ आती है? अगर तुम्हें नॉर्मल तरीके से समझ नहीं आ रही तो मेरे पास और कई रास्ते हैं। आई एम श्योर तुम वो रास्ता नहीं चाहते। देखिए मेरा उस केस से कोई कनेक्शन नहीं है, वो चोरी किसी और ने की होगी। मैं तो अपना बिजनेस अच्छे से चला रहा हूँ, मेरे खुद के क्रीम की लाइन है, मैं चोरी करके क्या करूंगा? लॉयर तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कोई कोइंसिडेंस होगा? लुक, लॉयर है वो किसी के लिए भी काम कर सकता है। तुम्हारी इन बातों पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। आई एग्री, सच कहो वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा बेटा। हाँ बिल्कुल इच नहीं। चलो बहन। चलो भाई। Okay. क्या बात है सनम, तुम काफी अच्छी एक्टिंग करती हो। बेचारा डर गया बहुत। क्यों है ना? हाँ। बहुत डरा हुआ लग रहा था। मैंने गुस्सा किया ना, उसे समझ आ गया होगा कि सनम इतने आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। सनम तुम क्या कर रही हो, कौन सी लड़की ऐसा बिहेव करती है? सॉरी, वो मैं क्रीम को लेकर थोड़ा सा अपसेट हो गई थी और ऊपर से आज का मौसम भी कुछ अच्छा नहीं है इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। वैसे मैं बहुत शांत इंसान हूँ, ऐसी चीजों में गुस्सा नहीं करती। बिल्कुल। एक सेकंड। उसने कहा कि खुद की क्रीम लाइन है, जरूर वो झूठ बोल रहा है। मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ कौन सा। अरे रुको रुको, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप मुझसे आर्ग्यू मत कीजिए प्लीज, मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा। तुम जाओ, पर मैं बस ये कह रहा था कि तुमने हील्स पहन रखी है, तुम गिर जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वो कचरा हो जाएगा, समझो तुम। हील्स गई तेल लेने, मुझे जमल से बात करनी है अभी के अभी, वो मेरी ही क्रीम्स बेच रहा है। सनम क्या बात है सनम, 3 सेकंड के लिए तुम तो शांत रही, करिश्मा कर दो, भगवान करिश्मा। मिस्टर इगिट, हम बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। तुमसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं कर पाया, वो लोग यहाँ आए थे पर उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ है। सुनो, वो लोग कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तुमसे फलट रहना बस। वो अरित सेनेम, उसने तो मुझ पर ऑलमोस्ट अटैक ही किया था, उसके साथ वो बड़ा आदमी आया था, उन्हें मुझ पर शक तो है। आई एम श्योर। क्रीम कहाँ रखी है? क्रीम्स कार में है, मैं उन्हें डिपॉजिट भिजवा रहा हूँ, पर हमें संभल कर रहना होगा। जान, जान। खैर जब तक केस खत्म होगा तब तक हमारी क्रीम मार्केट में होगी। अगर कुछ काम है तो मुझे फोन करना। मैंने उसे अभी फोन पर बात करते हुए सुना, उसने कहा कि सनम को हम पर शक है। मैं जानती हूँ कि जमल का एलर्जी के केस के पीछे कोई हाथ है। मैंने सुना कि वो बोल रहा था कि वो क्रीम को लेकर डिपोर्ट जाएंगे, हम दोनों वहाँ जाकर चेक करते हैं, अगर वो मेरी क्रीम हुई तो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। कौन सी क्रीम सनम, उसके पास तुम्हारी क्रीम है? डेरेन और बुलेट ने कहा था कि वो क्रीम्स को लेकर आया है, पर क्या पता इसने कहीं और पैकेट छुपाए हो। आई एम श्योर कि ये आदमी चालाकी कर रहा है। सनम बेटर होगा हम चले जाए, बुलेट सब कुछ हैंडल कर लेगा यार। जान प्लीज, वो मेरी क्रीम है, बुलेट को अपना काम करने दीजिए और मुझे मेरा, मुझे वहाँ जाना है, दैट्स फाइनल। यार तुम कब से एक ही चीज की रट लगाए जा रही हो, क्या करोगी वहाँ जाके? कौन सा डेपो, क्या करोगी वहाँ जाके वो बताओ, कब से एक ही जिद कर रही हो? आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। अंकल हुसैन। सनम अब देखिए हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे ढूंढती हूँ। हुसैन अंकल, कैसी हो मेरी बेटी सनम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। मेरे हाथ कितने मुलायम हो गए, देखो तुम्हारी क्रीम का जादू है, कमाल की क्रीम मुझे है। ये सुनकर खुशी हुई कि मेरी क्रीम काम कर गई। वैसे हुसैन अंकल, क्रीम ना बहुत मशहूर हो गई है और आपकी तरह बहुत सारे कस्टमर्स मिले हैं मुझे, इसलिए मैं अपना बिजनेस बढ़ाने का प्लान कर रही हूँ। और क्या आप जानते हैं यहाँ कहीं आसपास डिपोट है जहाँ पर क्रीम और कॉस्मेटिक जैसी चीजें बनाई जाती है, क्या आप मुझे बताएंगे प्लीज? पास ही में जमाल का डिपो है, म्युनिसिपल सेंटर के पास है वो बिल्डिंग। अच्छा म्युनिसिपल सेंटर, ठीक है ठीक है, मिलते हैं अंकल, थैंक यू सो मच। वैसे जमल को इस बारे में कुछ मत बताना, मुझे उससे पहले ही बात करनी होगी, डील लॉक करनी होगी, इतना सारा प्रोसीजर करना है। मत करो, नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटा, गुड बाय। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए साथ में चलते हैं। मुझे नहीं जाना पर। अरे चलिए ना। ठीक है, प्लीज 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 चलिए ना।
हाँ हाँ वो देखिए वो रहे बॉक्सेस, वो लोग उन्हें कहीं लेकर जा रहे हैं, उसमें मेरी क्रीम तो नहीं होगी ना, चलिए ना जाकर देखते हैं। सनम छोड़ो ना, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बुलेट है ना वो हैंडल कर लेगा। नहीं ऐसे कैसे जाने दूं, वो मेरी क्रीम है, आप यहीं रुकिए मैं चुपके से चेक करती हूं। अरे सनम, सनम चलो चलो जल्दी जल्दी बॉक्स अंदर रखो, कमाल कर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो। क्रीम्स पीछे साइड में रखना, चलो जल्दी जल्दी कमाल कमाल जल्दी करो जल्दी करो, नहीं तो क्रीम मुझे वो वाले बॉक्सेस देखने हैं, वैसे मत रखो क्रीम टूट जाएगी, दरवाजा खोलो और बॉक्स लाओ, चलो जल्दी करो जल्दी 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 रखो। चलो जल्दी से बाहर निकल जाओ, मैं दरवाजा लॉक कर रहा हूँ अभी, ठीक है? चलो आप भी निकल जाओ बाहर क्रीम रख के। अब मैं दरवाजा लॉक करता हूँ। वॉल्यूम कम रखो अपना। सफोकेशन हो रही है, मुझे लगा मैं पकड़ी जाने वाली हूँ, लेकिन मैं बचा लिया आकर, थैंक यू सो मच। तुम ही तो हो मेरी प्यारी ट्रबल मेकर। प्यारी ट्रबल मेकर? मैं आपकी प्यारी ट्रबल मेकर हूँ। हमें यहाँ कब तक रुकना होगा? रात तक, जब तक लेबर्स चले नहीं जाते। अब वैसे हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा, इलीगल काम करने जा रहे हैं। वैसे एक बात कहूँ, हमें एक काम बुलेट से करवाना चाहिए। अच्छा तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है और मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही, यहाँ वेंटिलेशन इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये जगह काफी छोटी है और ऊपर से आप मेरे इतने करीब है, और मेरा मतलब है यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, हम जल्दी बाहर निकल जाएंगे, डोंट वरी। हाँ मैं कहाँ वरी हूँ, हम बहुत ही पास खड़े हैं ना, एक सेकंड जगह बदलते हैं, हम जगह बदल कर देखते हैं। वो क्या है ना, मेरा लेफ्ट कान काफी अच्छा है तो मैं अच्छे से सुन पाऊंगी, इसलिए ये नेकलेस बहुत ही डेंजरस है, कोई हक करने जाएगा तो उसे चोट लग सकती है। ट्राई करके देखते हैं। चुप रह। हाँ। वैसे तुम्हारा स्टाइल काफी बदल गया, तुम्हारा ये नेकलेस ये काफी सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है तुम पे। वैसे आपकी स्टाइल भी काफी अच्छी है, नो नेकलेस नो रिंग, काफी स्टाइलिश लग रहा है आप, बहुत अच्छे लग रहे। हाँ तुम्हें सिंपलिसिटी पसंद है, तुमने लिस्ट में वही लिखा था ना। ओह आपने मेरा आंसर पढ़ा, वैसे मैंने भी
मतलब एक्सीडेंटली पढ़ते पढ़ते देख लिया था, पर ताज्जुब की बात है कि डिस्क्रिप्शन एकदम मुझसे मिलते जुलते है और मैं भी काफी क्यूरियस थी, देखना चाहती थी कि सालों बाद आपके क्राइटेरिया चेंज तो नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल पोच एग्स। वैसे मुझे नहीं पता था कि आपको अंडे इतने पसंद है, पोच एग वेरी इंटरेस्टिंग। पोच्ड एग्स? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, तुमने किसी और के आंसर्स पढ़े होंगे सनम। हाँ शायद। खैर सनम, मुझे तुम्हारा ये नया स्टाइल, तुम्हारी स्माइल काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, बहुत 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 ज्यादा। आई मीन एकदम दिल से कह रहा हूँ पार्टनर। और आप ही काफी हैंडसम लग रहे हैं बिजनेस पार्टनर। सब बाहर आ जाओ, मैं दरवाजा लॉक कर रहा हूँ, चलो निकलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो, मैं लॉक कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो चले गए, चलिए बाहर निकलते हैं। ठीक है। लेफ्ट साइड में देखिए, वहां एक रूम है। सनम, आ जाओ। तुम चोर अच्छी बन सकती हो। इस पर कोई लेबल क्यों नहीं है? ये मेरी क्रीम है जान। Are you sure? सारे डब्बे क्रीम से भरे हुए हैं और ये मेरी ही क्रीम है जिसे बेचकर वो प्रॉफिट कमाएगा, और यही रीजन है कि वो कोर्ट में गया और मुझे मेरी क्रीम प्रोड्यूस करने से रोक दिया। दो सैंपल लो और जल्दी से फार्म पर वापस चलते हैं, हम सब साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। ओके। और तुम्हारा यहाँ आने का आइडिया काफी अच्छा था, जेन्युइनली। थोड़ा सा लेट कन्फेस कर रहा हूँ, पर वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा ये नया स्टाइल बहुत ही कैरिज्मेटिक है और तुम्हारा एटीट्यूड भी काफी अच्छा लग रहा है। सेम फॉर यू। थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छी दिखती हो मेरी बिजनेस पार्टनर। प्रिटी, वेरी। हाँ। और हम पड़ोसी भी हैं। बाहर जाए? मुझे नहीं जाना। जाना है? ठीक है, चलो चलते हैं, आ जाओ। चलिए। ये तो लॉक्ड है। ऑफ कोर्स, ये खुल नहीं रहा मतलब लॉक्ड ही है ना। ये सार्केज़म देने की जरूरत नहीं थी। तो जाते वक्त लॉक तो लगाएंगे ना, कैसी बात कर रही हो? क्या करेंगे हम? वैसे अगर तुम्हें यहाँ का भी कोई पासवर्ड बताओ तो प्लीज डाल दो। नहीं, वो मैं नहीं देख पाई। अच्छी बात है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? वहाँ विंडो नजर आ रही है, वहीं से जंप करेंगे। और किसी ने देख लिया तो भागने लगेंगे। हिल्स में भागना थोड़ा मुश्किल है, पर जान थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से। हाँ हाँ, संभल कर आ जाओ, आ जाओ, आराम से कूदना, तुम बहुत हैवी हो। तुम पहली पड़ोसी हो जिससे इतना क्लोज हूँ। हाँ, आप भी। पड़ोसी बहुत वैल्यूएबल होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, साथ निभाते हैं। हेलो मिस्टर वोल्कन। हेलो मिस्टर जान, मिस्टर युगित कुछ दिनों से एक गांव वाले आदमी से कांटेक्ट में है। पहले मैंने उसे इतना सीरियसली नहीं लिया, पर अब मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि ये आदमी
और मिस्टर युगेट कोई प्लान बना रहे हैं। कौन है वो आदमी? जेमल, आप जानते हैं उसे? वो दोनों अभी साथ में हैं? हाँ, वो आतशेर कैफे में है। मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ अभी। ओके, थैंक यू सो मच। कितना कमीना आदमी है ये। सनम, तुम मेरे साथ चलोगी आतशेर कैफे? मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ठीक है। सोचना भी मत डैड, दूर रहिए। मैं कहाँ कुछ सोच रहा हूँ। हाँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं, बस थोड़ी ठंडी फ्रिज की हवा खाने आया था। गर्मी हो रही है ना बहुत, इसलिए। पर तुमने तो हद कर दी है। हर जगह मोटे मोटे वर्ड्स में सोचना भी मत लिखा है। तुम लोग मुझसे दूर रहो, मुझसे ये बात नहीं हो सकती। अब नहीं करूंगा मैं ये सब। नहीं डैड, आप यहाँ पर बैठिए एक मिनट, आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। बैठिए। सरप्राइज है? एमरे बाहर गए हुए हैं, उन्होंने अच्छा सरप्राइज प्लान किया है, आते ही। क्या बात है बेटा, वाह। हाँ, आ गए डार्लिंग, आइए। हेलो, हेलो, कैसे डैड? अरे हेलो हेलो बेटा। तो चलिए आज से हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करेंगे। अरे बाप रे, मैंने ये कुछ चीजें आपके लिए लाई है। ये क्या है? कद्दू? आज हमें टेस्टी डेजर्ट भी बनाना है, वो भी बिना शक्कर के। मैं इसके साथ डेजर्ट? जी हाँ। ये क्या है? और फिर हम सब साथ मिलकर खाएंगे, चलिए। चलिए बनाते हैं। हेलो मिस्टर जान, ये इनकी प्राइवेट मीटिंग्स की कुछ फोटोज हैं। मुझे तो ऐसा सनम और जान यहाँ आए। देखो मत, देखो मत, इधर देखो, इधर देखो। क्या बकवास है? डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे खिलाफ कुछ मत बोलना, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, सिर्फ और सिर्फ। बाकी तुम कुछ मत बोलना, समझ गए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बताओ मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस क्रिम पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, समझ गए तुम? हाँ, तुम यहाँ इस आदमी के साथ क्या कर रहे हो? सनम, मैं इससे बात करने आया था। इस आदमी ने मेरी क्रीम चुराई है और 100 बॉक्सेस ऑलरेडी बना चुका है ये। मुझे पता है, मैं इसे वार्निंग देने आया था खाली, बस। मैं अभी जा रहा हूँ, हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। हाँ हाँ, मिलेंगे कोर्ट में। तो तू इसे रोकने आया था यार ये गेट, और कितना नीचे गिरेगा तू? हाँ हाँ, मैं इसे रोकने आया था। सनम काफी मेरे लिए वैल्यूएबल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए। तो ये क्या है ये गेट, बोलना, एक्सप्लेन कर कि तू इससे क्यों मिला। हा? तुमने मेरे पीछे आदमी लगाया था, क्या बात है? मैं जमाल से मिलने गया था, काफी पुरानी दोस्ती है हमारी, क्या मैं नहीं मिल सकता? तेरा एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा, वरना मारोगे तुम मुझे। जान, इट्स फाइन। इट्स फाइन? हाँ इट्स फाइन। अच्छा, तो तुम्हें भी यही लगता है कि ये आदमी अच्छा है? हाँ सनम, हाँ बोलो, दिमाग ठीक तो है ना तुम्हारा? क्या बोल क्या रही हो जान? क्या आदमी है ये? ये तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, वो मेरी क्रीम है, मेरा बिजनेस है, तुम सिर्फ मेरे बुक पब्लिशर हो। मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना, ओके? तुम्हारा बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बिजनेस? जान तुम्हारा बिजनेस पार्टनर नहीं है क्या? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, तुम मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहोगे या फिर तुम मुझसे ही दूर चले जाओ। दूर चला जाऊं? दूर चला जाऊंगा मैं, समझ गई? आप लोग मुझे कह रहे हैं। शांत हो जाइए यार। सकते हैं?
तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती सनम? क्यों बोलो? हाँ, मैंने ऐसा क्या किया बताओ मुझे। I trust you. तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मैं जेलस हूं? सनम एक बात बता देता हूं, मैं मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारे प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम्स है। I trust you, John. जान मेरी बात सुनिए, आप मुझे फिर से ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या चाहती क्या हो तुम मुझसे? आप यही रहिए, कहीं मत जाइए। प्रॉमिस करिए चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं हमेशा सा यही हूँ सनम, तुम जहाँ जाओगी मैं वही मिलूंगा, समझी तुम? हाँ जान, मैं समझ गई, मैं जानती हूँ। ठीक है तो अब क्या करूँ मैं, बताओ। La 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 la